में जो कुछ हुआ, जो डेटा की फॉर्म में हमारे पास होते हैं, यानी कि रियलिटी, फैक्ट, अकरेंस, जो कुछ रियल वर्ल्ड में हो रहा है या हुआ पास्ट हिस्ट्री में, वो डेटा की फॉर्म में वो फैक्ट्स हमारे पास है, या डेटा से हम फैक्ट्स डिराइव कर सकते हैं, बता सकते हैं, समराइज करके कि डेटा ये शो कर रहा है। अब इकोनॉमिक थ्योरी उन फैक्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए होती है, और इकोनॉमिक थ्योरी बेसिकली सिंप्लीफाइड वे में उन फैक्ट्स को एक्सप्लेन करती है, इसलिए कि फैक्ट्स हम रियल वर्ल्ड से लेते हैं और रियल वर्ल्ड जो है वो कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ डिसीजंस ले रहे हैं, तो हर बंदे के डिसीजन का कोई जनरल फार्मूला नहीं है, कोई जनरल रूल नहीं है। मसलन कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करने लगा है, तो उस इन्वेस्टमेंट में एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इंटरेस्ट रेट कम हो गया है, तो चूंकि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम है, तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होने की वजह से उसे इंसेंटिव मिले कि वो इन्वेस्टमेंट कर दे, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक ये होता है कि एक बंदे के पास लिक्विड एसेट नहीं थे, अब लिक्विड एसेट कहीं से आ गए हैं, या लिक्विडिटी उसकी इंक्रीज हो गई है ड्यू टू व्हाट एवर रीजन, अब लिक्विड एसेट से आते हैं तो उसने उनको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है, वो इन्वेस्ट कर देता है। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जी मुल्क में ओवरऑल जीडीपी या बिजनेस एक्टिविटीज में स्लो डाउन था, बिजनेस एक्टिविटी बेहतर हो रही है या बेहतर हो गई है, तो अब ये इंसेंटिव है इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कि वो इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि जीडीपी बेसिकली इनकम्स हैं लोगों की, और लोगों की इनकम्स का मतलब है लोगों की परचेजिंग पावर, और लोगों की परचेजिंग का मतलब ये है कि आपकी चीजों की डिमांड एज इंडस्ट्रियलिस्ट या एज प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर के लिए इंसेंटिव है कि जब मुल्क में जीडीपी बढ़े, इनकम्स बढ़े, एग्रीगेट डिमांड बढ़े, तो वो इन्वेस्टमेंट करे। ये मैंने तीसरी रीजन बता दी। फिर ये है कि अभी हालात अच्छे नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होने वाला है, इस एक्सपेक्टेशन में भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक बंदा है, वो ऐसी सोच रहा है कि क्या करूं, उसको कोई दोस्त आके मशवरा देता है कि आप यूं कर लो, वो उस मशवरे पे चल के इन्वेस्टमेंट कर देता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। एक बंदे का जहन ही नहीं था मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, वो अपनी जिंदगी में बस चल रहा था कि किसी ने आके उसे मशवरा दिया यहाँ पे यूं इन्वेस्टमेंट कर दो, वो उसके मशवरे पे चल के इन्वेस्टमेंट कर देता है। एक रीजन ये हो सकता है कि उसके आसपास के बहुत सारे लोग एक जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो एक हर्ड बिहेवियर होता है, देखा देखी सबके बाकी कर रहे हैं, तो उसने भी वही इन्वेस्टमेंट कर दी। ये सारी बातें अगर आप सोचें तो इसका मतलब ये है कि एक इन्वेस्टमेंट का डिसीजन कोई कितनी चीजों से इफेक्ट हो सकता है, और किसी बंदे ने एक वक्त में डिसीजन किस वजह से किया, इसका उस पे बहुत सारे फिर और बहुत सारी चीजों का इन्फ्लुएंस होता है। मसलन आपका इंटरेस्ट रेट कम हुआ, और उस इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए ज्यादा, लेकिन सपोज आपके रिलीजन की वजह से आप इंटरेस्ट बेस्ड लोन ही नहीं लेते, और लोन नहीं लेते और इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, तो इंटरेस्ट रेट कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर कहीं पे कल्चर मैटर करता है, कहीं पे जो है वो आपका एजुकेशन मैटर करता है, कहीं पे प्रॉफिटेबिलिटी मैटर करती है। तो पॉइंट ये है कि एक इन्वेस्टमेंट को ले लेना, तो इन्वेस्टमेंट के डिसीजन अगर 1,000 लोग कर रहे हैं तो मे बी 1,000 रीजन ही हों कि किस वजह से इन्वेस्टमेंट हो रही है या बढ़ रही है या कम हो रही है। तो रियल वर्ल्ड में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, ये कॉम्प्लेक्सिटी है कि एक इन्वेस्टमेंट के पीछे इतने डिटरमिनेंट्स और इतने फैक्टर्स हैं, फिर कोई और वेरिएबल लें, तो ये तो हम जब इन वेरिएबल्स को लेंगे और इनके आपस में इंटरेक्शन लेंगे तो ये तो इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बनेगा कि एक एक चीज की 1,000 1,000 वेरिएबल से रिलेशनशिप्स नजर आना शुरू हो जाएंगे, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स मॉडल बन जाएगा, या रियल वर्ल्ड बहुत कॉम्प्लेक्स है। रियल वर्ल्ड एक मॉडल है, एक्चुअल मॉडल जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है। इन कॉम्प्लेक्सिटीज से बचने के लिए
हम इकोनॉमिक थ्योरी में सिंप्लीफाइड वे में उन फैक्ट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ये मैंने पहले लेक्चर में बहुत डिटेल में क्लियर किया था, आज सिर्फ आपको जस्ट एक पॉइंट बताता हूँ, थोड़ा और आगे चलता हूँ। तो पॉइंट ये है कि हमारे पास फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स जो हैं वो हमारे पास वो रियल वर्ल्ड है, वो कॉम्प्लेक्स है, उसमें बहुत सारे चीजें मैटर करती हैं एक एक डिसीजन के बारे में। हम इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट जब पढ़ते हैं तो उनमें से हम हर डिसीजन के पीछे हर फैक्टर हर डिटर्मिनेंट नहीं ले सकते, इस तरह बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज हो जाएंगी। एक इन्वेस्टमेंट का चैप्टर पढ़ते पढ़ते आपको कितना टाइम हो जाएगा, तो हम उसको सिंपल रखते हैं और सिंप्लीफाइड वे में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं थ्रू इकोनॉमिक थ्योरी। अब सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, थ्रू सर्टेन अजम्पशंस। तो हम रियल वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटीज खत्म करने के लिए कुछ अजम्पशंस लेते आते हैं, जिससे हमें फायदा ये होता है कि बहुत सारे चैनल्स जो कि एक्चुअली रियल वर्ल्ड में हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपका एक चैनल या एक डिटर्मिनेंट ऐसा है जो आपके 50-60% लोगों के डिसीजंस को इफेक्ट करता है, और बाकी 40% के पीछे इंडिविजुअल इश्यूज हैं। मसलन किसी के पीछे एक रीजन है तो किसी दूसरे बंदे के डिसीजन के पीछे दूसरा रीजन है। अब वो दो दो तीन तीन चार चार बंदों के डिसीजन एक फैक्टर की वजह से इन्फ्लुएंस होते हैं, लेकिन 50-60% लोगों के डिसीजन एक बड़े फैक्टर या दो बड़े फैक्टर्स की वजह से इन्फ्लुएंस हुए हैं। तो हम जब एग्रीगेट बिहेवियर पढ़ते हैं तो जो डोमिनेंट डिटर्मिनेंट्स होते हैं, जो मेनली रोल प्ले कर रहे होते हैं, हम वो उठा लेते हैं और बाकी सारी चीजों को अजम्पशन से रिलैक्स कर देते हैं कि ये नहीं है, हालांकि वो रियल वर्ल्ड में होता है, रियल वर्ल्ड में होता है, लेकिन हम अपनी अजम्पशंस में इकोनॉमिक थ्योरी के उनको रिलैक्स कर देते हैं कि ऐसा नहीं है। जब हम वो अजम्पशन रिलैक्स करते रहते हैं तो वो आप समझें कि रियल वर्ल्ड एक ट्री है और उसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, तो हर अजम्पशन एक ब्रांच काट देती है, तो काटते काटते एक बिल्कुल ही सिंपल सा पौधा रह जाता है जिसकी दो चार ब्रांचेज हैं। तो वो जो सिंपल सा ट्री रह गया उसको हम अपना मॉडल कहते हैं, इकोनॉमिक मॉडल, जिसमें बहुत सारी चीजें हमने यूं समझें साइलेंट कर रिमूव कर दी अपने मॉडल से, हालांकि वो रियल वर्ल्ड में थी। तो हमने वर्ल्ड ही लिया और रियल वर्ल्ड में से उस ब्रांचेस काटते गए, काटते काटते जब सिंप्लीफाइड वर्ल्ड का रह गया जो बिल्कुल सिंपल है, उस सिंपल वर्जन को हम उठा के कहते हैं ये हमारा इकोनॉमिक मॉडल है। इकोनॉमिक मॉडल से मुराद वही रियल वर्ल्ड है, लेकिन उस रियल वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें अब एब्स्ट्रैक्ट हो गई हैं, यानी कि जो इकोनॉमिक मॉडल होता है दैट इज एन एब्स्ट्रैक्ट वर्जन ऑफ रियल वर्ल्ड। एक रियल वर्ल्ड है जो कि कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारी चीजों से एब्स्ट्रैक्शन होती है, बहुत सारी चीजों को हम रिमूव करते हैं, बहुत सारी चीजों को हम खत्म करते हैं बहुत सिंप्लीफाई करने के लिए, और एक सिंप्लीफाइड वर्जन हमारे पास आ जाता है, उसको मैं कह रहा हूं कि वो सिंप्लीफाइड वर्जन हमारे पास क्या है, वो हमारा इकोनॉमिक मॉडल है। अब चूंकि स्टार्ट तो हमने रियल वर्ल्ड से किया था और रियल वर्ल्ड से अजम्पशन ले लेके कुछ चीजों को काट दिया, तो इसका मतलब है मॉडल इकोनॉमिस्ट की नजर में रियल वर्ल्ड है, यानी कि हम इकोनॉमिस्ट का जो वर्ल्ड है वो इकोनॉमिक मॉडल होता है, और इकोनॉमिक मॉडल रियल वर्ल्ड ही होता है, लेकिन रियल वर्ल्ड की बहुत सारी चीजें उसमें से मिसिंग होती हैं। बात समझ रहे हैं, यानी कि आपका एक स्ट्रक्चर है ना, उस स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, तो आपने वो बहुत सारी चीजें निकाल दी हैं। तो अब इसका मतलब ये है कि हमारी इकोनॉमिक मॉडल बनेगा, इकोनॉमिक थ्योरी जिसे हम कहते हैं वो थ्योरी सिंप्लीफाइड होगी और रियल वर्ल्ड की बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज उसमें नहीं होंगी, और उसकी बेस पे फिर हम अपना एनालिसिस करते हैं। उसका फायदा ये है कि हम फिर उसकी बेस पे अपना एनालिसिस करने लग जाते हैं। रियल वर्ल्ड के अंदर चूंकि वो कॉम्प्लेक्स है, उस समझना ही मुश्किल है, तो जब एक चीज को अंडरस्टैंड करना मुश्किल है तो फिर उसको उसके अंदर कोई अपना एनालिसिस, मसलन एनालिसिस इस तरह से है कि हम कहते हैं कि अगर हम इंटरेस्ट रेट चेंज कर दें तो इकोनॉमी में क्या होगा। अब हम डिफरेंट वेरिएबल्स मसलन जीडीपी, इन्फ्लेशन रेट, ट्रेड डेफिसिट, बजट डेफिसिट, इन सब के फ्यूचर पाथ्स सिमुलेट कर सकते हैं,
हम उसको ये देख सकते हैं कि हमारे इंटरेस्ट रेट चेंज करने से फ्यूचर में कैसे इफेक्ट्स आएंगे। अब ये हम अंदाजे से तो नहीं बात कर सकते, दो ही तरीके हैं, या तो रियल वर्ल्ड को सामने रखें और देखें कि उसमें इंटरेस्ट रेट के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं रियल वर्ल्ड में। तो जब आप इंटरेस्ट रेट चेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे कैसे वो इफेक्ट सामने आएंगे, ठीक है ना। एक्सपेक्टेशंस लेंगे कि फ्यूचर में रियल वर्ल्ड को देखते हुए इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से ये या इंटरेस्ट रेट कम करने से ये इफेक्ट्स आएंगे। दूसरा तरीका ये है कि चूंकि रियल वर्ल्ड में कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, उसका एनालिसिस मुश्किल हो जाएगा, और मुश्किल होने के साथ साथ उसमें फ्यूचर प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। एक तो है ना कि उसको एनालाइज करना मुश्किल है क्योंकि कॉम्प्लेक्स ज्यादा है, और कॉम्प्लेक्सिटीज के बाद, मुश्किल के बाद अगर फोरकास्ट ज्यादा एक्यूरेट हो जाए तो फिर तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उसके बाद फोरकास्ट भी इनएक्यूरेट हो जाए, इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जिनमें से क्या कल को हो और क्या ना हो, कितने रिलेशनशिप्स कल को वर्क करें, कितने चैनल इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बाद और कितने चैनल्स इफेक्टिव ही ना हो, क्योंकि इसमें अनसर्टेनिटी ज्यादा है। तो रियल वर्ल्ड के हिसाब से अगर आप एनालिसिस करेंगे तो वो एनालिसिस कुछ ज्यादा सुपीरियर नहीं होगा, बल्कि समहाउ इनएक्यूरेट होगा। तो एक्यूरेसी हमेशा सिंपल चीजों की होती है क्योंकि उसमें आप कुछ, उसमें सर्टेनिटी होती है कुछ हद तक, 100% सर्टेनिटी नहीं है लेकिन सर्टेनिटी होती है, यानी कि अनसर्टेनिटी कम हो जाती है। तो इसलिए हम इकोनॉमिक मॉडल बनाते हैं जिस जो कि सिंप्लीफाइड वर्जन होता है वर्ल्ड का, फिर उसके अंदर हम एनालिसिस करते हैं पॉलिसीज का और सिमुलेशन करते हैं कि अगर जो है वो ये चीज कर दी जाए गवर्नमेंट की तरफ से तो क्या होगा, अगर फलां चीज कर दी जाए तो क्या होगा, या अभी COVID-19 का आप एनालिसिस करना चाहें कि इसकी वजह से क्या होगा। तो एनालिसिस के लिए पहले आपके पास मॉडल होना चाहिए, उस मॉडल के अंदर से फिर आप एनालाइज करेंगे कि फ्यूचर इम्प्लीकेशन क्या हो सकती है इस शॉक की, ठीक हो गया। तो ये हमारा स्टाइल है। अब इस स्टाइल में हमने एक जीडीपी का डेटा आपको अगर मैं दिखाऊं, चूंकि हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे प्राइम वेरिएबल जीडीपी है, अगर मैं आपको जीडीपी का डेटा दिखाऊं तो चूंकि हम टाइम सीरीज में जीडीपी के क्वार्टरली डेटा के ऊपर एक एक्सरसाइज कर चुके हैं, तो जस्ट आप इस वक्त उसको जेन में रखें। तो जेन में रखते हुए आप ये देखें कि अगर आप किसी कंट्री के भी, या इस वक्त स्पेशली पाकिस्तान का पिछले 50 साल का जीडीपी का डेटा देखें, तो क्विकली जरा आप अपना रिकॉल करें कि जो उस दिन हमने डेटा देखा था और उसके ऊपर एक्सरसाइज भी की थी टाइम सीरीज डिकम्पोजिशन की, तो आप में क्या क्या नजर आया था। क्वार्टरली डेटा है तो उसमें सीजन था, टाइम सीरीज डेटा है 40 साल का डेटा था तो उसके अंदर एक ट्रेंड भी था पॉजिटिव, फिर जब हमने साइकिल सीजन और ट्रेंड रिमूव कर दिए तो फिर उसमें साइकिल भी थे और साइकिल के साथ रेगुलर कंपोनेंट। जब हम टाइम सीरीज एनालिसिस पढ़ेंगे तो उस इररेगुलर कंपोनेंट के ऊपर भी बहुत सारे मॉडल्स बनाएंगे, लेकिन इस वक्त हम उस इररेगुलर कंपोनेंट को मैक्रो इकोनॉमिक्स में इग्नोर करें। इसी तरीके से जो सीजनल वेरिएशन है वो एक तो क्वार्टरली या मंथली डेटा में होती है, एनुअल में होती ही नहीं है। और आप अगर आपका एनालिसिस ही ऐसा है कि पॉलिसी के इफेक्ट्स 2 साल में फॉर एग्जांपल सामने आते हैं, तो फिर हम सीजनल फ्लक्चुएशन मंथली या क्वार्टरली को तो वैसे ही इग्नोर कर सकते हैं सेफली। बात समझ रहे हैं ना कि अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ, टाइम सीरीज पढ़ रहा हूँ, फिर मैं हर चीज को मॉडल करूंगा, लेकिन अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए सीजनल वेरिएशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हम पॉलिसी का एनालिसिस करने लगे हैं, पॉलिसी के इफेक्ट्स अगर 1 साल के बाद नजर आएंगे या 2 साल के बाद पीक पे जाएंगे, तो सीजनल वेरिएशन तो 1 मंथ की होती है कि इसमें ऐसा हो गया, जनवरी में ऐसा हो गया, तो उसकी मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी ऐसा नहीं है। तो इसलिए हम सेफली जीडीपी के अंदर से जो सीजन है उसको इग्नोर करते हैं, ठीक हो गया। लेकिन जो हमारे पास सीजन हमने इग्नोर कर दिया, लेकिन ट्रेंड और साइकिल, मैंने पहले कहा इररेगुलर भी इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ट्रेंड और साइकिल ये दो ऐसी चीजें हैं जो जीडीपी के डेटा में, ट्रेंड और साइकिल ये दो ऐसी चीजें हैं ये जो आपका टोटल मैक्रो इकोनॉमिक्स
का सिलेबस बनाते हैं, जीडीपी के अंदर ट्रेंड और साइकिल, ये दो चीजें आपकी पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक हो गया। मैं इसमें देखता हूं अगर मुझे डेटा मिलता है तो। ठीक है, डेटा है, मैं जरा उसको आपके सामने प्लॉट करूं ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। एक मिनट जरा रुकिए, मैं इसको प्लॉट कर रहा हूं। तो अच्छा जी, मैं अभी आपके साथ शेयर करूं। ये गो के ये चीजें हुई हुई हैं, लेकिन मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए कि ये देखें, ये आपको, ये हमारा जीडीपी का डेटा है, ये 2005 से लेके 2019 तक का डेटा है। अगर आप देखें तो इसमें एक चीज बहुत क्लियर नजर आ रही है, और वो क्लियर चीज क्या है
वो क्लियर चीज ये है कि इसके अंदर ट्रेंड है, एक ट्रेंड है। और दूसरा ये नजर आ रहा है कि वो ट्रेंड के साथ स्मूथली जीडीपी मूव नहीं कर रही, बल्कि कभी देखें ये ट्रेंड से नीचे है, ये कभी ट्रेंड से ऊपर है। ठीक हो गया, ट्रेंड से ऊपर और नीचे होता रहता है। तो अगर मैं इसका चलें, तो पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है कि जी एक हमारा इस डेटा के अंदर ट्रेंड है, और अगर ये स्ट्रेट लाइन होती, बिल्कुल ये देखे ना, यहां से ये लाइन आ रही है, स्ट्रेट है काफी हद तक, लेकिन यहां से ये स्ट्रेट लाइन यूं गुजरनी थी, ये स्ट्रेट लाइन इधर नहीं रहती। तो अगर आप गौर करें तो ये जो टाइम पीरियड है यहां से लेके यहां तक, अगर आपको स्क्रीन इस तरह से नजर आ रही है, यहां से लेके यहां तक ये जो टाइम है, इस टाइम में चूंकि ट्रेंड देखें ऊपर से यूं सीधा आना था, तो इसका मतलब है ये टाइम ऐसा है जो ट्रेंड से नीचे थी जीडीपी। सही हो गया, देखे ना ये ट्रेंड है, इस ट्रेंड को अगर इसी तरह सीधा कंटिन्यू करें तो इसने यूं जाना था, तो ये देखे ना इस ओरिजिनल लाइन से ऊपर से गुजरना था ट्रेंड, तो इसका मतलब है ओरिजिनल लाइन ट्रेंड से नीचे थी, तो इसका मतलब है जीडीपी ट्रेंड जीडीपी से कम थी। ये जो टाइम पीरियड है ये ऑलमोस्ट, ये थोड़ा सा ऐसा है जो ऑलमोस्ट ट्रेंड के ऊपर है, तो अगर आप ये टाइम देखें तो ट्रेंड ने यूं जाना था, तो ये बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए ये ट्रेंड से ऊपर हो गई, फिर ये चलती गई, फिर आप इस ट्रेंड को ले जाएं सीधा, तो ये ट्रेंड यूं जाना था, तो यूं ट्रेंड जाना था, तो इसका मतलब है यहां से जीडीपी फिर ट्रेंड से नीचे हो गई, तो इसका मतलब है जीडीपी कभी आपकी ट्रेंड से ऊपर होती है, कभी ट्रेंड से नीचे होती है, और एक ट्रेंड होता है। तो ट्रेंड होना लॉन्ग टर्म एक एलिमेंट को शो कर रहा है, और जीडीपी का एक्चुअल में उससे ऊपर और नीचे होना शो करता है साइकल्स को। ठीक हो गया, साइकिल को। सही हो गया, तो इसका मतलब है हमारे हिसाब से जीडीपी के दो कंपोनेंट्स हैं मेन, एक ट्रेंड जीडीपी है और एक डिविएशन फ्रॉम ट्रेंड है, जिसको हम साइकिल कहते हैं। ठीक हो गया, ये टाइम सीरीज में हमने चार कंपोनेंट्स पढ़े थे, तो आज मैं दो पे फोकस करूंगा मैक्रो के अंदर। क्या जीडीपी के अंदर एक ट्रेंड जीडीपी है और एक डिविएशन फ्रॉम ट्रेंड है, ट्रेंड जीडीपी एंड डेविएशन फ्रॉम ट्रेंड यानी कि साइकिल। तो इसका मतलब यह है, जिसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में बिजनेस साइकिल कहते हैं, तो इसका मतलब है हमारे दो ही टॉपिक्स बनते हैं, एक ट्रेंड जीडीपी जिसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं, ग्रोथ एक लॉन्ग टर्म फिनोमेना है, आप इकोनॉमिक ग्रोथ एक साल या दो साल की बेस पे नहीं कर सकते एनालाइज की जी अच्छा इस कंट्री में इतनी ग्रोथ है, वो एक साल का ग्रोथ रेट हो सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं लॉन्ग रन ग्रोथ की। तो अगर आपने किसी कंट्री की ग्रोथ परफॉर्मेंस चेक करनी हो तो आपको मिनिमम 20 इयर्स का डेटा देखना पड़ेगा, आप दो साल तीन साल से नहीं एनालाइज कर सकते कि इस कंट्री की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस कैसी है। तो ग्रोथ जो कि लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस है वो डेकेड्स की बात है, तो वो लॉन्ग रन फिनोमेना है, और जो साइकिल है जो कि उसी ग्रोथ पाथ से डेविएशन है, वो डिविएशन शॉर्ट टर्म होती है। शॉर्ट टर्म होने का मतलब ये है कि वो मे बी दो साल के लिए इकोनॉमी अपने ट्रेंड से नीचे रहे, मे बी तीन साल के लिए रहे, मे बी चार साल के लिए रहे, लेकिन 10 से 20 साल के लिए इकोनॉमी न ट्रेंड से ऊपर रहती है न ट्रेंड से नीचे होती है। तो एक्चुअल जीडीपी ट्रेंड जीडीपी से नीचे हो या ऊपर हो, दोनों सूरतों में ये एक शॉर्ट रन के अंदर पॉसिबल है, लॉन्ग रन में ऐसा नहीं होता। ठीक हो गया जी, तो इसका मतलब ये है
हम इस तरह की आपने डायग्राम बुक में बनी भी देखी होंगी कई बुक्स में। मैंने तो एक्चुअल डेटा आपको दिखा दिया, तो मैं जरा बुक वाला दिखा देता हूँ जिस तरह बुक में बनाते हैं ना, मैं आपको एक जगह बना के दिखा देता हूँ। तो इस तरह की डायग्राम आपने कई बार देखी होगी। ऐसा है ना, नजर आइए। ये इसमें कोई खास चीज नहीं है, क्या बना हुआ है, टाइम है एक तरफ और एक तरफ वाई यानी कि जीडीपी है, और उसके बाद एक लॉन्ग रन ट्रेंड है और इस उसके अराउंड जीडीपी फ्लक्चुएट करती जा रही है, और मैंने जरा स्मूथ से साइकल्स बनाए हैं। तो इसका मतलब है यूं इसके अंदर दो चीजें हैं, एक बिजनेस साइकिल और एक लॉन्ग रन ग्रोथ। जो ट्रेंड है वो ग्रोथ, लॉन्ग रन ग्रोथ को शो कर रहा है। अच्छा, अब इसमें बिजनेस साइकिल अलग सब्जेक्ट है और इकोनॉमिक ग्रोथ अलग सब्जेक्ट है। एक लॉन्ग रन से डील करता है, एक शॉर्ट रन से डील करता है। अब लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में दोनों के अपने अपने थेरीज हैं, उससे पहले अपने अपने फैक्ट्स हैं। दोनों सब्जेक्ट्स को पढ़ते हुए पहले फैक्ट्स पढ़ते हैं और फैक्ट्स के बाद हम इकोनॉमिक थेरी या थ्योरेटिकल मॉडल्स बनाते हैं जिनकी बेस पे फिर एनालाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस ये भी हो सकता है, मसलन बिजनेस साइकिल में एनालिसिस ये हो सकता है कि इकोनॉमी किसी एक टाइम पे ट्रेंड से नीचे रही या जीडीपी ट्रेंड जीडीपी से कम थी, यानी कि इकोनॉमी रिसेशन में थी, तो उस रिसेशन का रीजन क्या था और फिर उस रिसेशन से निकलने की स्ट्रेटेजी क्या थी, या गवर्नमेंट ने कोई स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की तो वो किस हद तक इफेक्टिव रही, ये सारी चीजें हम एनालाइज कर सकते हैं बिजनेस साइकिल में। लेकिन उसके लिए बिजनेस साइकिल का थ्योरेटिकल मॉडल पहले बनाना पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ में हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि जैसे ये लॉन्ग रन ट्रेंड आपने देखा, तो इस ट्रेंड का एक लेवल होता है, ये जो ट्रेंड लाइन है इसकी एक लेवल है। लेवल का मतलब यह है कि ये ट्रेंड लाइन एज इट इज इसी स्लोप के साथ ऊपर शिफ्ट हो सकती है, इंटरसेप्ट इंक्रीज हो जाए तो, जैसे इंटरसेप्ट इंक्रीज होता है, तो बिल्कुल उसी तरीके से इसका लेवल भी शिफ्ट हो सकता है। तो किसी कंट्री का किसी टाइम पे लेवल शिफ्ट हो गया, अगर ऊपर चला गया उसका ट्रेंड लाइन, तो फिर ये सवाल आएगा कि ये ट्रेंड लाइन ऊपर क्यों गया और ये ट्रेंड ऊपर क्यों शिफ्ट हुआ, इसके फैक्टर्स क्या थे, इसके डिटरमिनेंट्स क्या थे, क्या पॉलिसीज का रोल था, कौन से इंस्टीट्यूशंस का रोल था, क्या कैपिटल का रोल था, क्या लेबर की प्रोडक्टिविटी का रोल था, क्या डिमांड का रोल था, ये सारी की सारी चीजें इसमें आ सकती हैं कि किसी एक वक्त में। मैं अब बात कर रहा हूँ ट्रेंड की, अब साइकिल की नहीं कर रहा। तो जो ट्रेंड का पाथ है वो पाथ एक टाइम पे ऊपर शिफ्ट हो जाए तो फिर सवाल होगा ना कि ये क्यों शिफ्ट हुआ। तो अब साइकिल में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि पाथ जो भी है, लॉन्ग रन ट्रेंड की लाइन जो भी है, जीडीपी एक थोड़े टाइम के लिए उससे नीचे थी तो नीचे क्यों थी, ये सवाल है बिजनेस साइकिल का। और वो पाथ ही ऊपर शिफ्ट हो जाए, लेवल उसका ऊपर चला जाए, ये क्वेश्चन है इकोनॉमिक ग्रोथ का। और दूसरी बात, इसी तरीके से आप इकोनॉमिक ग्रोथ में और ये स्टडी कर सकते हैं कि दो कंट्रीज हैं, दोनों की ट्रेंड लाइन है, एक की स्लोप कम है यानी कि कर्व लाइन लाइन फ्लैट है, और एक की स्लोप ज्यादा है यानी कि लाइन स्टीप है। तो सवाल ये पैदा होगा कि दो कंट्रीज हैं, एक कंट्री का स्लोप ट्रेंड लाइन का स्टीप है, एक का फ्लैट है। अब सवाल ये है कि फ्लैटर जिसका है वो क्यों है, यानी कि फ्लैटर होगा तो इसका मतलब है इकोनॉमी कम रेट से ग्रो कर रही है, स्टीप होगा तो ज्यादा रेट से ग्रो कर रही है। तो सवाल तो पैदा होगा ना कि कौन सा कंट्री किस ट्रेंड लाइन पे ग्रो कर रहा है और उस ट्रेंड लाइन पे ग्रो करने का रीजन क्या है, यानी कि उसकी लाइन ट्रेंड लाइन स्टीप है तो क्यों है और फ्लैट है तो क्यों है। तो ये सारे इकोनॉमिक ग्रोथ के क्वेश्चन हैं और उसके अपने मॉडल्स होंगे और उन मॉडल्स का अपना एनालिसिस होगा।
तो इसका मतलब है बिजनेस साइकिल के और इकोनॉमिक ग्रोथ के अपने अपने फैक्ट्स हैं, अपने अपने क्वेश्चंस हैं, अपनी अपनी थ्योरेटिकल मॉडल्स हैं और उन मॉडल्स की बेस पे अपना एनालिसिस है। ये दो डिफरेंट ब्रांचेस हैं किसकी, मैक्रो इकोनॉमिक्स की, और इनमें से हर एक ब्रांच अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद ग्रोथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन बिजनेस साइकिल अपनी जगह इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन बहरहाल अब ये देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इस वक्त हम थ्योरेटिकल चीजें देखनी है हमने, तो हम किसी एक को दूसरे पे प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि जी हमने दोनों को सीखना है, लेकिन ये दोनों अपनी अपनी जगह मैक्रो इकोनॉमिक्स की ब्रांचेज हैं। और अगर मेरे पास टाइम हो और मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स दो सेमेस्टर में पढ़ा रहा हूं, अगर चूंकि हमारी तो यूनिवर्सिटी में यहाँ एक ही कोर्स है ना मैक्रो इकोनॉमिक्स का इस लेवल पे, तो इसलिए मैं दो स्टेजेस में तो नहीं पढ़ा रहा मैक्रो इकोनॉमिक्स, लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं दो स्टेजेस में पढ़ा रहा हूँ तो मैं एक सेमेस्टर में इनमें से एक चीज कवर करूंगा और दूसरे सेमेस्टर में दूसरी। और अगर मैं ये एक सेमेस्टर में दोनों पढ़ाने हैं तो फिर जाहिर है मैं दोनों को इकट्ठा कवर करूंगा और बहुत डिटेल में फिर हर चीज के नहीं जाऊंगा। लेकिन पॉइंट ये कि ये दोनों ब्रांचेस अपनी जगह, दोनों सब्जेक्ट्स अपनी जगह इम्पोर्टेंट है। ठीक हो गया जी। अब मैं अब एक बात आखिरी याद रखिएगा कि चाहे बिजनेस साइकिल पढ़ रहे हो चाहे इकोनॉमिक ग्रोथ पढ़ रहे हो, सबसे पहले आएगा फैक्ट्स, फिर आएंगी अजम्पशंस ताकि वर्ल्ड को, रियल वर्ल्ड को सिंप्लीफाई किया जा सके, और फिर एक सिंप्लीफाइड वर्जन बनेगा जिसे हम इकोनॉमिक मॉडल कहेंगे। आप चाहे बिजनेस साइकिल पढ़ रहे हो तब यही आपका सीक्वेंस है, और अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ पढ़ रहे हो तो तब भी यही। तो इस वक्त मैं बात करता हूं जी आपके साथ बिजनेस सॉरी इकोनॉमिक ग्रोथ से हम स्टार्ट लेंगे। तो जब मैं कह रहा हूं कि ये दो सेमेस्टर के कोर्स है तो मैं एक सेमेस्टर में कवर करूंगा, तो इसका यह मतलब नहीं कि उसी डिटेल में कवर करूंगा जिस डिटेल में मैंने दो सेमेस्टर में पढ़ाना था। जाहिर है डिटेल वो नहीं होगी, लेकिन सीक्वेंस आपको बता दूं कि सीक्वेंस में रफली मुझे लगता है मिड टर्म तक हम शायद इकोनॉमिक ग्रोथ को कवर कर पाए और रिमेनिंग जो सेकेंड हाफ है सेमेस्टर का उसमें हम फिर बिजनेस साइकिल को स्टडी करेंगे। तो इस वक्त मैं आपके साथ इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड फैक्ट्स शेयर करता हूं, और ये भी आपको बता दूं डेविड रोमर की बुक को मैं फॉलो करूं तो उस बुक में भी ये सब फैक्ट्स लिखे हुए हैं, इवन मैंने हेडिंग भी वही दी है। तो आपके सामने कुछ फैक्ट्स हैं और ये एज इट इज स्टेटमेंट डेविड रोमर की मैंने कॉपी की हुई है ताकि आप वहां से पढ़ें तो आपको कोई चीज नई ना लगे। मैं एक्सप्लेन मैं करूंगा लेकिन आपको एग्जैक्टली वो फैक्ट्स बता दूं। जो पहला इकोनॉमिक ग्रोथ का फैक्ट है जिसको मैं ग्रोथ फैक्ट नंबर वन कहूंगा, तो ये जो ग्रोथ फैक्ट है ये क्या है कि ओवर द पास्ट फ्यू सेंचुरी स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग इन इंडस्ट्रियलाइज्ड countries have reached levels almost unimaginable to our ancestors. क्या आप देखें ये ज़हन में रखें। अब देखें पहली लाइन ही आपको एक चीज क्लियर कर रही है, पहली लाइन और फिफ्थ वर्ड ओवर द पास्ट फ्यू सेंचुरीज। जो ही इकोनॉमिक ग्रोथ की बात आई तो किसी ने ये नहीं कहा कि पिछले पांच साल में ये हुआ। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये बहुत रिवाज है कि हम दो दो साल, तीन तीन साल, पांच पांच साल की बेस पे इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इवेल्युएट करने बैठ जाते हैं। वो इवेल्युएशन हो सकती है लेकिन अगर आपने ग्रोथ को इवेल्युएट करना है तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि डेविड रोमर की बुक पहले चैप्टर में इकोनॉमिक ग्रोथ के फैक्ट्स एक्सप्लेन करती है, और डेविड रोमर पहले चैप्टर के अंदर अपनी बुक में जब पहला फैक्ट लिखता है तो बात ही यहां से स्टार्ट करता है कि ओवर द पास्ट फ्यू सेंचुरीज। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि सेंचुरीज ही वाइड टाइम है स्पैन एनालाइज करने का इकोनॉमिक ग्रोथ, पाकिस्तान की तो सेंचुरीज की हिस्ट्री ही नहीं है, तो ये सही है तो कम से कम डेकेड्स की हिस्ट्री तो है या मोर देन हाफ सेंचुरी की हिस्ट्री तो है।
तो आप अपनी ग्रोथ को इवेलुएट करना चाहेंगे तो फिर आप दो दो चार चार सालों की बात नहीं किया करें, फिर आप डेकेड्स की और मतलब क्वार्टर या हाफ सेंचुरी की बात करें। तो उस पे मैं जाऊं तो ये कह रहा है कि जी पिछले कुछ कुछ सेंचुरी से जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अच्छा दूसरा पॉइंट, ये एक एक लफ्ज पे गौर किया करें। दूसरा जो पॉइंट आ रहा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो हम इस पूरी बुक में जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ लेंगे तो उसका मीनिंग हम ये लेंगे इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जब मैं ग्रोथ की बात करूंगा इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो उसका मतलब होगा इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड, और लिविंग स्टैंडर्ड की इंप्रूवमेंट को जब आप डेटा में मेजर करना चाहेंगे, मैंने आपको पहले दिन बताया था कि एक होती है कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन और एक होती है ऑपरेशनल डेफिनेशन। तो अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ को कॉन्सेप्चुअलाइज करें देन इट्स इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड, और अगर आप इसको ऑपरेशनलाइज करें यानी कि इसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन, वो डेफिनेशन जिससे लिविंग स्टैंडर्ड की इंप्रूवमेंट मेजर की जा सके, तो उसका एक इंडिकेटर या एक मेजर जीडीपी है। तो इसका मतलब है रियल जीडीपी का या कांस्टेंट प्राइस जीडीपी का हम जब डेटा लेते हैं तो वो लिविंग स्टैंडर्ड की इंप्रूवमेंट की ऑपरेशनल डेफिनेशन होती है, और इकोनॉमिक ग्रोथ की कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन क्या हुई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इंप्रूवमेंट। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कह रहे हैं ना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की जो बात करने लगा है तो इस वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ को वो लिविंग स्टैंडर्ड से कॉन्सेप्चुअलाइज कर रहा है। तो वो कहता है कि जी वो हम ये लिविंग स्टैंडर्ड अगर आप उसको इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा जीडीपी या पर कैपिटा इनकम रियल टर्म्स में मेजर करें तो वो उस लेवल पे पिछली दो तीन सेंचुरीज से पहुंच गई है आज, जो हमारे सोच भी नहीं सकते थे, उनके लिए ये अनइमेजिनेबल था। कैसे? वो कह रहा है फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज को लें जैसे यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, ये यूरोपियन वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हो गई, तो जो उनकी पर कैपिटा इनकम एक सेंचुरी पहले थी आज उसका 10 से लेके 30 टाइम्स हायर हो गई है। और ये परसेंट नहीं है, 10 to 30, 10 to 30% का मतलब तो ये है ना, या 30% का कि 100 थी तो 130 हो गई, नहीं 30 टाइम्स इंक्रीज हो गई। इसका मतलब है 100 थी तो आज 3000 हो गई है, और अगर 1003 थी तो आज 3 लाख हो गई है। तो इतना बड़ा चेंज आया एक सेंचुरी के अंदर कि आज से एक सेंचुरी पहले इन्हीं कंट्रीज की इनकम्स जहां पे थी पर कैपिटा टर्म्स में, आज उसका 10 to 30 टाइम्स इंक्रीज हो चुका है। और अगर आप सेंचुरीज पीछे चले जाएं तो 2 सेंचुरीज पीछे के कंपैरिजन में आज का लिविंग स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियलाइज्ड या डेवलप्ड कंट्रीज का 50 to 300 टाइम्स इंप्रूव हो गया है। तो 300 टाइम्स इंप्रूव होने का मतलब ये है कि जिनकी $1000 पर कैपिटा इनकम अगर थी, फॉर एग्जाम्पल 1000 से मैं कह रहा हूँ, लाजमी नहीं हुआ उस वक्त, या आप 100 कर लें, 100 से ज्यादा बेहतर समझेगा, अगर $100 पर कैपिटा इनकम थी तो आज उनकी पर कैपिटा इनकम $30,000 हो चुकी है 2 सेंचुरीज के अंदर। तो इसका मतलब है ये बहुत बड़ा चेंज है, और ये बात समझते जाएं, ये जितने मैं फैक्ट्स एक्सप्लेन करूंगा आपने वो ट्रेंड लाइन जेन में रखनी है कि ये उसमें कैसे फैक्ट फिट होगा। तो जब मैं कह रहा हूं कि ये ट्रेंड लाइन जेन में रखें तो इसका मतलब ये है कि ये जो 30 टाइम्स का इम्प्रूवमेंट है, ये बेशक अगर आप कंटिन्यूअसली देखेंगे तो फिर तो ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है, लेकिन अगर आप पिछली सेंचुरी का अलग डेटा प्लॉट करें और इस सेंचुरी का अलग डेटा प्लॉट करें ना, तो ट्रेंड लाइन में एक जंप आएगा, एक चेंज आएगा। दोनों सेंचुरीज के ट्रेंड लाइन भले एक जैसे हों लेकिन दोनों का लेवल डिफरेंट होगा। बात समझ आ रही है? लेवल डिफरेंट होगा। मैं आपको उसको बना के ड्रॉ करके दिखाता हूं। यानी कि ये अगर आप देखें, ये
ये जो सेकंड वाली फिगर है, इस फिगर में एक ट्रेंड लाइन मैंने दिखाई है और कुछ टाइम के बाद वही ट्रेंड लाइन है लेकिन उसका लेवल ऊपर शिफ्ट हो। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक 50 इयर्स का डेटा अलग प्लॉट कर लें, 50 इयर्स का अलग कर लें, तो 50 50 इयर्स के डेटा को अगर आप देखें तो ये रिजल्ट सामने आएगा कि एक ट्रेंड लाइन थी और वो ट्रेंड लाइन ऊपर शिफ्ट हो गई है, उसका लेवल शिफ्ट हो गया। इसका मतलब ये है कि आपका ये जो जीडीपी में एक लेवल शिफ्ट आया है, ये कितना लेवल शिफ्ट आया है, ये एक सेंचुरी के अंदर 10 to 30 times का आया और दो सेंचुरीज के अंदर ये 50 to 300 times का जो है वो चेंज आया है। अब ये एक फैक्ट हो गया, फैक्ट नंबर वन, यानी कि लेवल शिफ्ट हुआ है ओवर टाइम। बात समझ आ गई? पहला फैक्ट क्या है कि जो आज पर कैपिटा इनकम्स हैं वो 50 साल पहले नहीं थी, जो 50 साल पहले थी एक सेंचुरी पहले उतनी नहीं थी, जितनी एक सेंचुरी पहले थी 150 इयर्स पहले उतनी नहीं थी, और जितनी 150 इयर्स पहले थी 200 इयर्स पहले इतनी नहीं थी। इसका मतलब है हर कुछ टाइम के बाद एक लेवल ऊपर चला जाता है, वो एक एब्रप्ट चेंज नहीं आता। जैसे मैंने डायग्राम बनाई है तो आपको समझाने के लिए था, चेंज तो कंटिन्यूअस होता है, लेकिन अगर आप उस चेंज के बाद 50-50 साल का ब्रेक करके डेटा प्लॉट करें तो फिर उसकी डायग्राम ऐसी बने। तो वो मैं आपको बता रहा हूं कि क्या हुआ कि पहला फैक्ट ये हो गया कि एक लेवल चेंज हुआ है ओवर टाइम, टाइम के साथ। नंबर टू, दूसरी बात, जो दूसरा फैक्ट हमारे सामने आ रहा है वो ये है कि वर्ल्ड वाइड ग्रोथ इज फार फ्रॉम कांस्टेंट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक लेवल शिफ्ट नहीं हुआ बल्कि अगर आप ज्यादा लंबे अरसे का डेटा प्लॉट करें, एक एक सेंचुरी का प्लॉट करें, तो न सिर्फ ये कि जीडीपी का लेवल आज का पिछली सेंचुरी से ज्यादा है, बल्कि जो आपकी लास्ट सेंचुरी थी उसका एवरेज ग्रोथ रेट भी उससे पिछली सेंचुरी से ज्यादा था। यानी कि न सिर्फ ये कि वर्ल्ड वाइड इनकम्स ओवर टाइम इंक्रीज हुई हैं, बल्कि उन इनकम्स का इवन ग्रोथ रेट भी इंक्रीज हुआ है। अगर आप इसको कहें ना कि पिछले 10 साल से डेटा मैं लेता हूं, तो 10 साल का तो आपको डेटा में शायद ग्रोथ रेट नीचे जाता नजर आए। ये बात हो रही है कि अगर आप इस सेंचुरी का ग्रोथ देखें और पिछली सेंचुरी के एवरेज ग्रोथ रेट से कंपेयर करें, अब ये बात याद रखना, पीछे लेवल कंपेयर हो रहा था, क्या कंपेयर हो रहा था, लेवल। अब बात हो रही है स्लोप की। अगर आप लॉग जीडीपी को टाइम पे प्लॉट करेंगे तो जो लाइन बनेगी उस लाइन का स्लोप एवरेज ग्रोथ रेट होगा। तो बात ये हो रही है कि न सिर्फ ये कि पिछले सेंचुरीज का उससे पिछली सेंचुरीज के मुकाबले में इनकम में एक लेवल शिफ्ट है, बल्कि ग्रोथ रेट ही डिफरेंट है, यानी कि स्लोप्स ही डिफरेंट है। लास्ट सेंचुरी का जो ग्रोथ रेट है एवरेज, वो जो स्लोप से नजर आएगा वो उससे पिछली सेंचुरी से ऑन एवरेज ज्यादा है। यानी कि आप यूं समझें कि अगर दो सेंचुरीज का मैं अलग अलग डेवलप्ड कंट्रीज का डेटा प्लॉट करूं, तो जो लास्ट सेंचुरी है यानी कि जो नियर पास्ट है, उसमें जो उस डेटा के ट्रेंड लाइन की स्लोप बनेगी वो स्टीपर होगी, और जो उससे पिछली सेंचुरी का है वो रिलेटिवली फ्लैटर होगी। तो दूसरा फैक्ट ये है कि न सिर्फ ये कि ट्रेंड लाइन का लेवल इंप्रूव हुआ है, बल्कि उसकी स्लोप भी स्टीपर हुई है, यानी कि एवरेज ग्रोथ रेट्स भी इन कंट्रीज के, डेवलप्ड कंट्रीज के, उन अपने ही पिछली सेंचुरी या उससे पिछली सेंचुरी के मुकाबले में ज्यादा है। बात समझ आ गई? तो ये दूसरा फैक्ट हो गया। अब मैं चलता हूं तीसरा फैक्ट। अच्छा, ये भी ध्यान में रखें, बाज बुक्स ये पहले दो फैक्ट्स को एक ही फैक्ट बताती हैं कि जी ये ओवर टाइम चेंज आया है, वो चेंज ग्रोथ में भी हुआ है, वो चेंज लेवल में भी हुआ है, ये एक फैक्ट है। और दूसरा क्रॉस सेक्शनल डिफरेंसेस हैं जो अब आ रहे हैं, लेकिन मैंने आपको उन
टाइम रिलेटेड से भी जो कहा है वो दो कहा है कि वो दो फैक्ट्स हैं। तो मसलन आप जोन्स की बुक उठाएं, ये बड़ी अच्छी बुक है जोन्स की, और जरा ज्यादा सिंपल लिखी हुई है रोमर के मुकाबले में, सिंपल लैंग्वेज में, थोड़ा सा उसका लेवल रोमर से नीचे है। जोन्स की बुक, JONES, तो ये जो जोन्स की बुक है, अच्छा ये फाद ने रियल और नॉमिनल का पूछा है। एक चीज याद रखें, जब हम ग्रोथ पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ रियल की बात कर रहे हैं, नॉमिनल नहीं। ये सब इम्प्रूवमेंट रियल में आई है। ये जोन्स की बुक है, इसकी ग्रोथ की बुक पढ़ेंगे तो इसमें आपको ये दोनों अलग फैक्ट्स नजर आएंगे, और डेविड रोमर की बुक पढ़ेंगे तो ये जो पिछले दो फैक्ट्स मैंने आपको बताए ये एक ही फैक्ट में लिखा हुआ। तो पॉइंट ये है कि ये टाइम रिलेटेड फैक्ट है, चाहे एक है चाहे दो है। सेकंड जो फैक्ट है वो क्रॉस सेक्शनल डिफरेंसेस है, और वो ये है कि देयर आर ऑल्सो एनॉर्मस डिफरेंसेज इन स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग अक्रॉस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये जो पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, ये कंट्रीज समझ लें, और ये कंट्रीज आपका क्रॉस सेक्शन ऑफ कंट्रीज है, यानी कि आपके डिफरेंसेस, ये जरूरी नहीं है सिर्फ कि जी 50 साल पहले एक इनकम का लेवल था और आज 50 साल के बाद इनकम का लेवल और है, बल्कि अगर आज का ही डेटा ले लें तो आज के डेटा में भी, आज के डेटा में, 2020 के डेटा में भी, अगर आप एवरेज इनकम्स लें, हमारे कंट्री की ले लें, इंडिया की ले लें, अफगानिस्तान की ले लें, जर्मनी की ले लें, जापान की ले लें, यूएस की ले लें, यूके की ले लें, तो आप इन सारी कंट्रीज को आपस में कंपेयर करें, ये तो क्रॉस सेक्शनल डेटा हो जाएगा ना, कि एक वक्त में मुख्तलिफ कंट्रीज का, तो क्रॉस सेक्शन ऑफ कंट्रीज में भी एनॉर्मस डिफरेंसेज हैं। ऐसा नहीं है कि एक वक्त के अंदर अगर हम डेटा लेंगे तो उतने डिफरेंसेज नहीं है, ओवर टाइम डिफरेंसेज हैं। नो डाउट कि ओवर टाइम वाले डिफरेंसेस ज्यादा बड़े हैं, लेकिन क्रॉस सेक्शनल डिफरेंसेस भी कम नहीं है। मसलन एवरेज रियल इनकम्स इन कंट्रीज एज यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी एंड जापान अपीयर टू एक्सीड दोज इन सच कंट्रीज एज बांग्लादेश एंड कीनिया बाय अ फैक्टर ऑफ अबाउट 20। इसका मतलब ये है कि ये जब आप कीनिया बांग्लादेश को ले रहे हैं तो अपने आप को भी इसी में रखें, इंडिया को भी इसी में रखें, तो हमारे ये जो कंट्रीज हैं इन कंट्रीज के मुकाबले में डेवलप्ड कंट्रीज मोर देन 20 टाइम्स उनकी इनकम्स हमसे हाई हैं। यानी कि वही बात, हमारी अगर $1500 पर कैपिटा इनकम है तो उन कंट्रीज में क्या होगी, 30,000 के करीब होगी, 1500 × 20, तो ये 30,000 के करीब बनती है। तो जाहिर है इन कंट्रीज में 30,000+ है पर कैपिटा इनकम। अच्छा थोड़ी देर पहले फाद ने नॉमिनल और रियल की बात की थी, तो ये याद रखना यहाँ पे जो कंपैरिजन है ये नॉमिनल में है, डॉलर्स में है लेकिन नॉमिनल में है, क्योंकि ये तो एक साल की बात है ना। इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड देखना हो तो फिर हम उसको ओवर टाइम देखते हैं, तो ओवर टाइम में रियल देखना है, नॉमिनल नहीं। और रियल इनकम्स में बात हो रही थी कि इतने बड़े बड़े डिफरेंसेस आए थे, लेकिन यहाँ हम नॉमिनल हैं क्योंकि यहाँ तो कोई मकसद नहीं है ना रियल का। रियल तो होता है कि जी आपका 2 सालों में एक चेंज आया, तो आप ये देखते हैं कि वो चेंज कितना रियल है, यानी कि उसमें से इन्फ्लेशन को फैक्टर आउट करते हैं, तो यहाँ तो वो इशू ही नहीं है। लेकिन फिर भी आप कहें कि जी परचेजिंग पावर या इन्फ्लेशन को बीच में लाना है, तो वो फिर परचेजिंग पावर पैरिटी की बेस पे आप कंपेरिजन कर सकते हैं, लेकिन ये कंपेरिजन जो अभी भी आपके सामने है ये परचेजिंग पावर पैरिटी की बेस पे नहीं है। लेकिन अगर आप परचेजिंग पावर को या इन्फ्लेशन को बीच में लाना चाहते हैं तो ये उससे होगा, परचेजिंग पावर पैरिटी से। ठीक हो गया जी। अब जैसे ओवर टाइम एक लेवल चेंज था और ओवर टाइम एक ग्रोथ रेट का भी डिफरेंस था, क्रॉस सेक्शन में भी इसी तरह है। एक तो लेवल डिफरेंसेस हो गए, जैसे मैंने कहा हमारी पर कैपिटा इनकम $1500 के करीब है, कई कंट्रीज की 30,000+ है। अब दूसरी बात आएगी कि क्या जो ग्रोथ है डिफरेंट कंट्रीज की, अब जाहिर है ग्रोथ एक साल की, मतलब क्रॉस सेक्शनल डेटा में उस सेंस में ग्रोथ तो नहीं होती, ग्रोथ तो कम से कम 2 साल तो चाहिए कि एक साल से दूसरे साल में कितनी ग्रोथ हुई है, लेकिन हम बात 2 साल की नहीं कर रहे हैं, हम तो डेकेड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन पॉइंट ये
इस तरीके से वक्त आप क्रॉशन में देखें तो आपको नजर आएगा कि डिफरेंसेस हैं बड़े बड़े इनकम के अंदर, और टाइम सीरीज में देखें तो एक ही के डेटा में 50 साल पहले और आज में बड़े डिफरेंसेस हैं। अब तीसरी बात कि अगर आप पैनल डेटा ले लें, यानी कि क्रॉस सेक्शन ऑफ कंट्रीज का पीछे 20 साल, 25 साल, 40 साल, 100 साल का डेटा ले लें, तो वहां से आपको एक फैक्ट और नजर आएगा, और वो फैक्ट ये नजर आएगा कि ग्रोथ इन एन इंडिविजुअल कंट्रीज ऑफन डिफर्स कंसिडरेबली फ्रॉम एवरेज वर्ल्ड वाइड ग्रोथ। अब बात समझें, ऊपर के फैक्ट में लिखा हुआ है देयर आर ऑल्सो एनॉर्मस डिफरेंसेज इन स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। जब हम स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है इट्स इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम, यानी कि वहां पे बात हो रही है इनकम लेवल की, नीचे बात हो रही है ग्रोथ की। ग्रोथ और इनकम लेवल में डिफरेंस है, क्यों? ग्रोथ चेंज इन इनकम का नाम है, ये बात समझ रहे हैं ना? इनकम लेवल है, ग्रोथ डिफरेंस है, यानी कि उसका चेंज है। तो नीचे वाला फैक्ट ग्रोथ की बात कर रहा है, कर क्रॉस सेक्शन ऑफ कंट्रीज में रहा है, लेकिन बात चेंज की कर रहा है कि जो एक कंट्री का, सॉरी, मुख्तलिफ कंट्रीज का एक साल से अगले साल तक, या उससे अगले साल, फिर उससे अगले साल जो इनकम में चेंज आ रहा है, क्या वो चेंजेस सब कंट्रीज में एक जैसी हैं? यानी कि आप यूं समझ लें कि अगर पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट है, सॉरी इनकम है, अगर उसके मुकाबले में यूएस की इनकम मोर देन 30 टाइम्स हमसे ज्यादा है, मोर देन 30 टाइम्स ज्यादा है, तो सवाल ये है कि क्या हमारा और यूएस का ग्रोथ रेट एक जैसा होगा? सही है क्या? एक जैसा होगा हमारा और यूएस का? तो इसके बारे में वो फैक्ट डील कर रहा है कि नहीं, ग्रोथ इन इंडिविजुअल कंट्रीज ऑफन डिफर्स कंसिडरेबली फ्रॉम एवरेज वर्ल्ड वाइड ग्रोथ। यानी कि न सिर्फ ये कि कंट्री इनकम लेवल डिफरेंट है, बल्कि कंट्रीज के ग्रोथ रेट्स डिफरेंट हैं, कंट्रीज के ग्रोथ रेट्स डिफरेंट हैं। जब ग्रोथ रेट्स डिफरेंट हैं, इसका मतलब है जब दो कंट्रीज का ग्रोथ रेट डिफरेंट होगा तो उसका होगा ये कि जो आज उनकी इनकम के लेवल में डिफरेंसेस हैं, ये डिफरेंसेस आज से 50 साल बाद नहीं रहेंगे, या तो डिफरेंसेस और बढ़, या डिफरेंसेस खत्म हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। बात समझ आ रही है ना? अगर कम इनकम वाले कंट्री का ग्रोथ रेट ज्यादा है, ज्यादा वाले से, ज्यादा इनकम वाले से, तो 50 साल के बाद इनका गैप कम हो चुका होगा, या मे बी गैप खत्म हो चुका हो। और अगर जिसकी इनकम कम है उसी का ग्रोथ कम है, तो इसका मतलब है 50 साल के बाद ग्रोथ रेट और सॉरी लेवल में डिफरेंसेस और बढ़ चुके होंगे। तो अब इसके लिए भी कंट्रीज की, अगर जैसे ऊपर एग्जांपल्स हम चल रहे हैं, तो इसकी भी एग्जांपल है, और वो एग्जांपल द मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जांपल्स ऑफ लार्ज चेंजेस इन रिलेटिव इनकम्स आर ग्रोथ मिरेकल्स एंड ग्रोथ डिजास्टर्स। यानी कि ग्रोथ मिरेकल्स होते हैं और ग्रोथ डिजास्टर्स होते हैं। सही है, आपने हिस्ट्री में देखा है ज्यादातर ग्रोथ मिरेकल्स देखे, इसको आगे एक्सप्लेन भी करते हैं, लेकिन कुछ ग्रोथ डिजास्टर्स भी हैं। अब इसको एक्सप्लेन करना चाहें कि ग्रोथ डिजास्टर और ग्रोथ मिरेकल्स होते क्या हैं, ये भी फैक्ट है ना? देखे ना, ये भी फैक्ट है कि हमने देखा पिछली सेंचुरी में कि बहुत सारे ग्रोथ मिरेकल्स थे, लेकिन कुछ ग्रोथ डिजास्टर्स भी थे। तो ग्रोथ मिरेकल की डेफिनेशन ये है कि इफ फॉर डेकेड्स लॉन्ग टाइम, यानी कि नॉट फॉर जस्ट 1 ईयर और 2 ईयर, फॉर डेकेड्स, इफ ग्रोथ रेट ऑफ अ कंट्री इज अबव वर्ल्ड एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट, यानी कि 20 साल के लिए अगर पाकिस्तान का एवरेज ग्रोथ रेट, या 40 साल के लिए पाकिस्तान का जो जीडीपी का एवरेज ग्रोथ रेट है वो वर्ल्ड की जीडीपी के एवरेज ग्रोथ रेट से ज्यादा रहे 20, 30, 40 साल तक, तो ये 40 साल के बाद हम एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाएंगे कि लोग हमारी एग्जाम्पल देंगे कि ये ग्रोथ मिरेकल हुआ है। और अगर किसी कंट्री का ग्रोथ रेट वर्ल्ड के ग्रोथ रेट से लगातार कम आता रहे,
पूरे वर्ल्ड की जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है, अगर कुछ कंट्रीज का ग्रोथ रेट लगातार 20-40 साल तक, हाफ सेंचुरी तक उससे कम आता रहे, तो फिर वो एक ऐसे लेवल पे उसकी इनकम पहुंच जाएगी उस वक्त कि वो बाकी कंट्रीज के मुकाबले में एक पुअर कंट्री नजर आ रहा होगा, यानी कि उसके अंदर ग्रोथ डिजास्टर हुआ है, यानी कि जो उसकी रिलेटिव पोजिशन थी वर्ल्ड में वो भी उसने लूज कर दी। तो हिस्ट्री में ग्रोथ मिरेकल्स भी होते हैं और ग्रोथ डिजास्टर भी। तो हमारे सामने जो ग्रोथ मिरेकल्स की एग्जाम्पल्स हैं उसमें साउथ कोरिया है, जापान है, चाइना है, उसमें ताइवान है, सिंगापुर है, ठीक है ना। तो इस तरह हमारी जो इस तरह की कुछ एशियन इकोनॉमीज हैं जिनको एशियन टाइगर्स कहते हैं, जो कि इस एग्जाम्पल में आते हैं, और प्लस उसके अलावा और कुछ कंट्रीज हैं। ग्रोथ डिजास्टर में चले जाएं तो अर्जेंटीना की एग्जाम्पल है, या अफ्रीकन कुछ कंट्रीज की एग्जाम्पल है जिनका ग्रोथ रेट लगातार वर्ल्ड के ग्रोथ रेट से कम रहा। तो नतीजा ये है कि आज 50-100 साल पहले के मुकाबले में आज देखें तो बजाय इसके कि वो डेवलप्ड कंट्रीज के करीब हुए हों, वो उल्टा उन डेवलप्ड कंट्रीज से दूर हो गए हैं, यानी कि उनकी इनकम के डिफरेंसेस और ज्यादा बढ़ गए हैं। तो एक पॉइंट ये हो गया। अब ये या तो आप ये जो आप मैंने फैक्ट्स बता दिए, ये जोन्स की बुक के हिसाब से 4 फैक्ट्स हैं और डेविड रोमर की बुक के हिसाब से 2 फैक्ट्स हैं, क्योंकि एक क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा है, एक टाइम सीरीज की कर रहा है। लेकिन पॉइंट ये है, मेन इशू आप समझें कि पॉइंट ये है कि रिजल्ट निकलता है दो ही चीजों का, कि चाहे इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट लें, चाहे इन टर्म्स ऑफ इनकम लेवल लें, दो किस्म के जी ऐसे ही है सैयद गयास। तो इसका मतलब ये है कि चाहे आप इन टर्म्स ऑफ लें या इन टर्म्स ऑफ इनकम लेवल लें, दो फैक्ट जो मेनली हमने पढ़े हैं, आगे हैं तो 4, लेकिन मेनली अगर ब्रॉडली मैं एक्सप्लेन करूं तो दो फैक्ट्स क्या हैं कि चाहे आप इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ बात करें, चाहे इन टर्म्स ऑफ इनकम लेवल बात करें, क्रॉस सेक्शन ऑफ कंट्रीज का सेम टाइम पीरियड में भी बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं, और ओवर टाइम देखें तो सेम कंट्री का, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हो, 50-50 साल के गैप से अगर आप इनकम लेवल्स देखना शुरू कर दें तो भी बहुत बड़े डिफरेंसेस हैं। ये नेट हमारे ग्रोथ फैक्ट निकले। अब कुछ और एक दो छोटे छोटे ग्रोथ फैक्ट्स हैं, वो ये है कि अगर चलें हम ऑन एवरेज क्या देखेंगे कि ये सारे इसकी बेस पे, तो हम अब एक ऑन एवरेज कंक्लूड करते हैं ना कि ओवर टाइम कंट्रीज एक दूसरे के करीब हो रहे हैं, या ओवर टाइम्स कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ इनकम्स या इन टर्म्स ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड एक दूसरे से दूर हुए हैं। तो उसके बारे में फैक्ट्स ये हैं कि ओवर द होल ऑफ द मॉडर्न इरा, मॉडर्न इरा का मतलब ये ले ले कि लास्ट 1 या 2 सेंचुरीज, यानी कि पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ओवर द होल ऑफ द मॉडर्न इरा क्रॉस कंट्री इनकम डिफरेंसेस हैव वाइडेंड ऑन एवरेज। अगर यानी कि आप पिछले 1 से 1.5 सेंचुरी का डेटा या 2 सेंचुरीज तक का डेटा लें, तो फैक्ट ये है, यानी कि डेटा ये शो करता है कि ऑन एवरेज कंट्रीज के इनकम डिफरेंसेस बड़े हैं, यानी कि क्रॉस कंट्री इनकम डिफरेंसेस गैप या इनकम का गैप या इनकम के डिफरेंसेस वाइड हुए हैं, कम नहीं हुए, श्रिंक नहीं हुए, बड़े ही हैं। लेकिन ऐसी बात मैं कोई पिछले 10 साल पे नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ पिछले 1-2 सेंचुरीज की बात कर रहा हूँ, कि पिछले 2 सेंचुरीज का डेटा लें तो 2 सेंचुरीज पहले जो वर्ल्ड में कंट्रीज का आपस में डिफरेंसेस थे, आज डिफरेंसेस उससे बहुत हद तक बढ़ चुके हैं। और वो क्यों बढ़ेंगे? वो एक ही वजह से बढ़ते हैं, अगर कुछ कंट्रीज में ग्रोथ मिरेकल होता रहे और कुछ कंट्रीज में ग्रोथ डिजास्टर्स होते रहे तो ओवर टाइम उनके डिफरेंसेस बढ़ते रहेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन ये बात थी सेंचुरीज की, अब बात करते हैं पिछले 2-3 डेकेड्स की, कि ओवर द पास्ट फ्यू डेकेड्स हाउएवर There has been no strong tendency either toward continued divergence or toward convergence. यानी कि अगर पिछली 2 सेंचुरीज का डेटा लें तो डाइवर्जेंस हुई है कंट्रीज के अंदर,
लेकिन अगर आप पिछले 20-30 साल का डेटा लें, यानी कि 2 to 3 decades का डेटा लें, तो आपको ना तो क्लियरली वर्ल्ड के अंदर डाइवर्जेंस नजर आएगी ना कन्वर्जेंस नजर आएगी। अच्छा, कुछ कंट्रीज के साथ ऐसा हो सकता है, मसलन पिछले 20-30 years में ही तो चाइना ने ग्रो किया है ज्यादा, सही है ना? तो ऐसी इंडिविजुअल एग्जाम्पल्स तो पिछले 20-30 सालों में भी मिल सकती है, सही है ना? देखे ना, चाइना ने तो 1980 के बाद ग्रो करना शुरू किया है हायर ग्रोथ रेट से, तो इसका मतलब यह कि पिछले 20-30-40 साल की बात है। तो अगर आप पिछले 2 to 4 decades की बात करेंगे तो इंडिविजुअल एग्जाम्पल्स तो आपको मिलेंगी कि एक या दो कंट्रीज में ग्रोथ मिरेकल या ग्रोथ डिजास्टर हो गया हो, लेकिन ऑन एवरेज पूरे वर्ल्ड को देखें तो कोई बड़ा चेंज नहीं आया। यानी कि ना तो कंट्रीज की, यानी कि आप यूं समझ लें कि 1980 और 2020, 40 साल के गैप से अगर 2 सालों को आप कंपेयर करें किस चीज को, पर कैपिटा इनकम्स को, तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन बनेगा 1980 पे क्रॉस सेक्शन ऑफ कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम का, और जो 2020 में स्टैंडर्ड डेविएशन बनेगा पर कैपिटा इनकम्स का वर्ल्ड के अंदर, उसमें बड़ा चेंज नहीं है, ये पॉइंट है। लेकिन अगर आप 2 centuries पहले में वर्ल्ड की पर कैपिटा इनकम्स लें कंट्रीज के और आज लें, और दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन क्रॉस सेक्शन में कैलकुलेट करें, तो आज का स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत बड़ा होगा 2 centuries पहले में पर कैपिटा इनकम्स की स्टैंडर्ड डेविएशन से। ये मेरा पॉइंट है और मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो अच्छा जी, एक क्वेश्चन बीच में आया था जब मैंने जोन्स का नाम लिया, तो सादिया ने क्वेश्चन पूछा बुक नेम, तो एक बीच में किसी स्टूडेंट ने जवाब दिया कि जी एडवांस्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। मुझे लगता ये है कि उस वक्त सादिया का क्वेश्चन जोन्स की बुक के बारे में था। तो हम ओवरऑल तो मैक्रो की बुक जो फॉलो करेंगे वो डेविड रोमर की ही करेंगे, वो बात सही है, लेकिन मैंने कहा था जोन्स की भी एक बुक है और वो बुक थोड़ी सिंपल है। तो जिन लोगों को थोड़ा इस बुक को समझने में मुश्किल हो रही हो, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो डेविड रोमर की बुक छोड़ के जोन्स की बुक पढ़ना शुरू कर दें, लेकिन उसका ये मतलब जरूर है कि आप जोन्स की बुक से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है? और उसका बुक का नाम ये है, मैं लिख देता हूँ, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक ग्रोथ। ये बुक है जिसको आप अगर वैसे पढ़ना चाहें तो बहुत अच्छी बुक है और बहुत सिंपल है। यानी कि ना ये बहुत ही इंटरमीडिएट लेवल की है कि जिसमें बिल्कुल ही कोई मैथमेटिकल लैंग्वेज ना हो, ना इतने टॉप लेवल की है कि आपको समझने में मुश्किल हो। मैं आपको थोड़ा सा बुक्स का भी साथ बताता जाऊं कि जब आप कोई बुक उठाते हैं ना, मतलब आप एक बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैं आपको बता देता हूं उसका भी टाइटल, तो एक और बुक है जिसका टाइटल है जस्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स, और वो है ब्लैंचर्ड की बुक। अब ये बुक है, इसमें से भी आप ग्रोथ पढ़ सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही इंटरमीडिएट लेवल की बुक है। अच्छा, इंटरमीडिएट लेवल का मतलब वो ही मैंने पहले दिन क्लियर किया था कि कहीं इससे मुराद आप वो एफए वाला इंटरमीडिएट ना ले लेना, बीएस लेवल है इंटरमीडिएट। बीएस के भी जो पहले 2-3 semesters में हम पढ़ते हैं वो हम इंटरमीडिएट लेवल की बुक्स पढ़ते हैं। देखिए, डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस का मतलब ये है ना कि वर्ल्ड के एवरेज के कंट्रीज करीब आ जाएं, इस सेंस में कि कंट्रीज आपस में ही करीब हो रहे हैं ना।
जाहिर है वो उनकी एवरेज का आप वर्ल्ड से भी ले लें तो भी बात एक ही है ना। देखें कुछ कंट्रीज वर्ल्ड की ग्रोथ से ऊपर हैं, कुछ नीचे हैं, तो दोनों वर्ल्ड के ऊपर आ जाएं तो भी करीब हैं। वो आप कहें कि दोनों वर्ल्ड से डिफरेंसेस हैं उनके और करीब आ गए हैं, या आपस में करीब आए हैं, बात एक ही है, सही है ना। तो दोनों में देख सकते हैं, लेकिन एक्चुअली कंट्रीज का आपस में डिफरेंस देखते हैं। अच्छा, तो मैं बता रहा था ये ब्लैंचर्ट की बुक है, तो ये बुक बिल्कुल आप समझें पहले या दूसरे सेमेस्टर में BS लेवल पे पढ़ी जा सकती है ग्रोथ के लिए। जो इसके, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है, ग्रोथ की बुक नहीं है, लेकिन ग्रोथ पे जो चैप्टर्स हैं वो पढ़े जा सकते हैं। लेकिन अगर आप MPhil में इसको, ठीक है, आप किसी वीकेंड पे 2 वीकेंड लगा के ये बुक के 2-4 चैप्टर जो ग्रोथ के हैं वो खत्म करना चाहें, तो फिर तो आप भले ब्लैंचर्ट की बुक पढ़ लें, लेकिन अगर आप वैसे सीखने के लिए यही पढ़ना चाह रहे हैं तो फिर आप गलत कर रहे हैं। आपको ये नहीं पढ़नी, बल्कि आपको मिनिमम समझने के लिए वो जोन्स की बुक आप पढ़ सकते हैं। और थोड़ा सा आपको डेविड रोमर की बुक अगर मुश्किल लगे तो मैं आपको ये भी बता दूं कि डेविड रोमर की बुक भी बहुत एडवांस लेवल की बुक नहीं है ये। यानी कि आपको जो जरा मैथमेटिक्स के साथ हल्की बुक्स होती हैं या जो मैथमेटिक्स के साथ बहुत हाई फाई बुक्स हैं, ये उनके एवरेज बुक है डेविड रोमर। यूं समझ लें कि डेविड रोमर की बुक या तो BS के लास्ट सेमेस्टर्स में पढ़ाई जा सकती है या MPhil PhD के पहले सेमेस्टर में पढ़ाई जा सकती है। इसके बाद अगर मैक्रो के फिर कोर्सेज हों MPhil PhD के दूसरे तीसरे सेमेस्टर में, तो वो फिर इससे भी एडवांस्ड बुक्स हैं, वो फॉलो की जाती है। मैं इसलिए ये बात बता दी आपको कि आपको ऐसा ना लगे कि डेविड रोमर की बुक तो बहुत एडवांस बुक है, लेकिन जोन्स की बुक आप पढ़ें जरूर, साथ साथ पढ़ते रहा करें। तो मैं बात कर रहा था किसकी, आपकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की। तो मैंने कहा कि ज्यादा पीछे चले जाएं तो डाइवर्जेंस है, और अगर कुछ पीछे चले जाएं, कुछ से भी मुराद 2-3 डेकेड्स हैं, तो फिर कोई बहुत स्ट्रांग किस्म की टेंडेंसी आपको नहीं नजर आएगी कि कोई डाइवर्जेंस हुई है या कन्वर्जेंस। ऑल दो इंडिविजुअल एग्जाम्पल्स ऐसी मिलेंगी कि जिसमें कुछ ना कुछ डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस होती रही है। अब चूंकि मैंने कहा था कि इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में ना तो मैं ये बात करता हूं कि जी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है या बिजनेस साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे लिए तो दोनों इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन किसी कंट्री के लिए अगर आप सिक्लिकल फ्लक्चुएशंस को स्टेबलाइज करने की कोशिश करते रहें और लॉन्ग रन में ग्रो ज्यादा ना करें, जैसे पाकिस्तान की एग्जाम्पल है कि हम स्टेबलाइजेशन के लिए तो कोशिश करते रहे लेकिन लॉन्ग रन में हमने बहुत ज्यादा ग्रो नहीं किया, तो फिर आप लो इक्विलिब्रियम ट्रैप में आ जाते हैं। यानी कि आप इक्विलिब्रियम गो कि हमने तो ऐसा सच हमारी इकोनॉमी स्टेबल भी नहीं है, लेकिन स्टिल अगर आप स्टेबलाइजेशन अचीव भी कर लें तो आप लो इक्विलिब्रियम ट्रैप में होंगे। यानी कि आपने वहां पे अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर लिया जहां पे आपका दुनिया में कोई ऐसा सच रिलेटिव रैंकिंग में कहीं नंबर कोई नाम अच्छा नहीं आता, तो वहां पे आप अपने आप को स्टेबलाइज भी कर लें, तो इसका मतलब आप लो इक्विलिब्रियम ट्रैप में चले गए। तो इस उस हद तक तो मैं कहूंगा कि ग्रोथ के टॉपिक की इंपॉर्टेंस इवन बिजनेस साइकिल से ज्यादा है। और वैसे भी अगर आप ग्रो नहीं करें तो जस्ट स्टेबलाइजेशन मीनिंगलेस है, और समटाइम स्टेबलाइज आप नहीं करते तो आप ग्रो नहीं कर सकते। तो ये दोनों अपनी जगह इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन बहरहाल ग्रोथ की एक अपनी इंपॉर्टेंस है। तो मैंने एक यहाँ पे कोट, जो अगेन डेविड रोमर की बुक में ही है, और ये कोट है एक नोबेल लॉरिएट का, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का नोबेल लॉरिएट है, रॉबर्ट लूकस। रॉबर्ट लूकस जो मशहूर है या तो ग्रोथ थेरीज की वजह से, ग्रोथ मॉडल्स की वजह से, या जो है वो रैशनल एक्सपेक्टेशंस की वजह से। गो के रैशनल एक्सपेक्टेशन का आइडिया रॉबर्ट लूकस का नहीं है, उससे पहले का है, लेकिन बाहर लूकस की जो मतलब ज्यादा फेमस है वो रैशनल एक्सपेक्टेशंस की वजह से है, और मनी न्यूट्रलिटी के ऊपर इसका काम है, रैशनल एक्सपेक्टेशंस एंड मनी न्यूट्रलिटी। तो अब चूंकि इन्वर्टेड कॉमास में है तो इसका मतलब है ये रॉबर्ट लुकस की अपनी बात है, कि क्या कह रहा है कि वंस वन स्टार्ट्स टू थिंक अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ इट इज हार्ड टू थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स। कि अब ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का नोबेल लॉरिएट कह रहा है कि अगर कोई इकोनॉमिक ग्रोथ को पढ़ना या सोचना या समझना शुरू कर दे
तो फिर मुश्किल ही होता है कि वो किसी और के बारे में भी सोचे। पॉइंट क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आप इस समुंदर में जाएंगे तो फिर यही एक मतलब बहुत बड़ा फील्ड है, और मतलब इट्स हार्ड टू थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स, या आप यूं समझिए कि बाकी फिर चीजें भूल जाती हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन इस टॉपिक का ये मतलब नहीं है कि ये टॉपिक आज मैं पढ़ा रहा हूँ, ये टॉपिक मैंने कहा था हाफ सेमेस्टर चलेगा। ठीक हो गया जी। आए जी, अब हमें पता चल गया कि हमने इकोनॉमिक, पहली बात हमें ये पता चल गई कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेज हैं, दोनों जीडीपी के डेटा को प्लॉट करने से सामने आई हैं, एक साइकिल है एक ट्रेंड है। दूसरी बात हमें ये पता चली है कि पहले फैक्ट्स होते हैं, उन फैक्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए इकोनॉमिक थ्योरी या थ्योरेटिकल मॉडल्स बनते हैं, मॉडल्स रियल वर्ल्ड की एब्स्ट्रैक्ट या सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है, ये भी हमें पता चल गया। और फिर हमने ग्रोथ के फैक्ट्स तो पढ़ लिए, बिजनेस साइकिल के फैक्ट्स नहीं पढ़े, वो तब पढ़ेंगे जब हमारा ये ग्रोथ का टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब फैक्ट्स तो हमारे सामने आ गए, क्या क्या फैक्ट सामने आए, फैक्ट्स यही सामने आए ना, मेनली तीन फैक्ट्स हैं, बाकी अगर आप उसको अलग अलग करें तो छह फैक्ट्स मैंने बोले हैं, लेकिन ओवरऑल समराइज करें तो ब्रॉडर वे में तीन फैक्ट्स हैं। वो क्या हैं कि एक, ओवर टाइम कंट्रीज के ग्रोथ और इनकम लेवल में डिफरेंसेस हैं कंट्री के अपने ही ओवर टाइम। दूसरा यह है कि क्रॉस सेक्शन ऑफ कंट्रीज में एक वक्त में भी ग्रोथ और इनकम लेवल में डिफरेंसेस हैं, और ग्रोथ डिजास्टर और ग्रोथ मिरेकल्स होते हैं ओवर टाइम। और तीसरी बात हमने ये पढ़ी है कि पिछले दो सेंचुरीज की या डेढ़ दो सेंचुरीज या एक सेंचुरी पहले और आज में तो कंट्रीज की बहुत ज्यादा गैप है, कम गैप था इन पर कैपिटा इनकम्स में, लेकिन आज जो है वो जितना गैप है वो उससे कहीं ज्यादा है। लेकिन अगर पिछले तीन चार डेकेड्स का डेटा लेके उसका कंपैरिजन करना चाहे तो फिर ये कोई बड़ा गैप नहीं है। ठीक हो गया जी। तो अब फैक्ट्स हमारे सामने हैं, पता हमें चल गया है कि फैक्ट्स के बाद हम रियल वर्ल्ड लेके उसमें से अजम्पशंस ले लेके उसको हमने मॉडल को सिंप्लीफाई करना है, और फिर एट द एंड हमने उस मॉडल से करना क्या है, उस मॉडल से हमने ये देखना है कि वो मॉडल की जो इम्प्लीकेशंस हैं वो रियल वर्ल्ड के फैक्ट से मैच करती हैं या नहीं करती। देखे ना, आप सिंप्लीफाई करते जाएं तो रियलिस्टिक वर्ल्ड अनरियलिस्टिक होना शुरू हो जाएगा। एक रियल वर्ल्ड है, उसमें एक चीज हो रही है और आप उसको, उस चैनल को शट ऑफ कर देते हैं, यानी कि एक वजह से रियल वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट हुई लेकिन आप उसको कंसीडर नहीं कर रहे, इग्नोर कर रहे हैं। दो फर्म्स के डिसीजन लेने में डिफरेंसेस हैं, यानी कि डिफरेंट रीजन से डिसीजन लेते हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप उल्टा उनको कह रहे हैं कि जी नहीं, हमारी नजर में दोनों का डिसीजन ऑन एवरेज एक जैसा है। तो इसका मतलब ये है ना कि आप रियल वर्ल्ड से अनरियलिस्टिक भी हो रहे हैं। तो सवाल ये है कि अगर, अब ये मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का अब जो है अब हमारे पास देखें, एक पॉइंट समझ लें कि मैंने चूंकि बात कर दी है कि अजम्पशंस ले लेके आपने मॉडल को सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने का मतलब यह है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपका मॉडल इतना सिंप्लीफाई हो जाए कि वो अनरियलिस्टिक हो। अच्छा, एक बात वैसे समझ लें, एक भी सिंप्लीफाइंग अजम्पशन लेंगे तो मॉडल अनरियलिस्टिक हो जाएगा। अब पॉइंट ये है कि जितनी ज्यादा अजम्पशंस लेते जाएंगे उतना ज्यादा अनरियलिस्टिक हो जाएगा। अनरियलिस्टिक तो वो एक अजम्पशन से भी हो गया, क्यों, इसलिए कि अजम्पशन आप ले रहे हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, अजम्पशन आप ले ही वो रहे हैं जो रियल वर्ल्ड में हो रहा है और आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है। बात समझ आ रही है ना कि हो रहा है एक्चुअली और आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब है अजम्पशंस तो मोस्टली होती ही अनरियलिस्टिक है। तो सवाल ये है कि आपने सिंप्लीफाई तो किया,
और उसका फायदा भी है क्या, कि एक कॉम्प्लिकेटेड मॉडल को, एक दुनिया में कॉम्प्लेक्सिटीज को आपने खत्म कर दिया और एक सिंप्लीफाइड वर्जन अपने सामने ले आए, यहां तक तो बात ठीक है। लेकिन इसका एक नुकसान नहीं होगा कि एक रियलिस्टिक चीज थी, आपने उसको इतनी सिंप्लीफाइंग अजम्पशन ले लेके अनरियलिस्टिक बना दिया, क्या वो रियल वर्ल्ड से ही दूर हो गया। अब यहाँ पे एक बात है जो आप भी चैलेंज कर सकते हैं, मैं भी चैलेंज कर सकता हूँ, हो सकता है हम चैलेंज नहीं करें, हो सकता है हमें ये बात पसंद है। पॉइंट ये है कि इसके अगेंस्ट भी आर्ग्यू किया जा सकता है, लेकिन एक होता है डोमिनेंट व्यू, या जो आपका मेन स्ट्रीम एक स्टाइल होता है। तो मैं आपको वो बताता हूं जो इस वक्त से मुराद ये है कि पिछली ऑलमोस्ट एक सेंचुरी से जो, या पिछली कम से कम 70 ईयर से एटलीस्ट जो स्टाइल चल रहा है, या जो हम मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स फॉलो करते हैं, जिस मॉडलिंग स्टाइल को हम फॉलो करते हैं, ठीक है ना, उस क्राइटेरिया को देखना पड़ेगा ना। जैसे होता है ना कि जी एक चीज किसी कंट्री के लॉ में उसका कुछ और है, किसी और कंट्री के लॉ में वो चीज, मसलन एक जगह पे वो चीज अलाउड नहीं है, किसी दूसरे कंट्री में मे बी हो, ठीक है ना। तो जैसे डिफरेंट कंट्रीज के लॉज के हिसाब से किसी चीज को इवेलुएट किया जा सकता है, किसी एक्शन को परखा जा सकता है, बिल्कुल उसी तरीके से हम भी ये देखेंगे कि हम इस मॉडल को, जो जो मॉडल हमारा अनरियलिस्टिक हो जाता है, तो क्या अनरियलिस्टिक करना मॉडल को ठीक है या नहीं। तो उस पे मैं उस डोमिनेंट व्यू की बात करूंगा जो हम पिछले इकोनॉमिस्ट पिछले 70 साल से फॉलो करते आ रहे हैं। वो ये है कि आपका मॉडल, फिर मैं कहूंगा कि ये ध्यान में रखना, ये इस वक्त का इकोनॉमिक्स का स्टाइल है, नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स की मैं बात कर रहा हूं, मैं यहां लिख देता हूं। ये एक स्कूल ऑफ थॉट है, ये आपका एक वे ऑफ मॉडलिंग है, न्यू क्लासिकल मॉडलिंग। तो मैं न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स या न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक मॉडल्स की बात कर रहा हूं। तो ये जो है, इसमें इस बात पे अगर हम देखें कि मॉडल अनरियलिस्टिक हो जाए, तो देखें ना, आप किसी और स्कूल ऑफ थॉट में आप जाएंगे तो वो आपको इसका शायद डिफरेंट आंसर करे। इकोनॉमिक्स के डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है, ये आपको पता होना चाहिए। मोस्टली दुनिया में जो मेन ऑर्थोडॉक्सी है, जो मेन स्टाइल फॉलो किया जाता है, वो यही न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स का स्टाइल है। इसलिए ये जितनी बुक्स के मैं नाम लेता हूं, जैसे डेविड रोमर की बुक हो गई, जैसे आपने टेलर के बुक की किसी ने नाम लिया, फ्रोइन की बुक का किसी ने नाम लिया, किसी ने जो है वो जैसे जोन्स की बुक है, चाहे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की हो या माइक्रो इकोनॉमिक्स की हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स की भी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो ले लें, ठीक है ना। तो जिस तरह की भी ये हम बुक्स हम पढ़ते हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स, ये जो आपने सारी बीएस में देखी या पढ़ी, या जो अब मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, या और टीचर्स आपको रिकमेंड कर रहे हैं, मसलन डेवलपमेंट में टुडेरो की बुक है, ये जिस जितनी भी ये सारी बुक्स हैं, ये सारी न्यू क्लासिकल फ्रेमवर्क में लिखी हुई बुक्स हैं, ठीक है। और ये ऑर्थोडॉक्स है, यानी कि ये हमारा मेन स्ट्रीम है, यही इस वक्त का बाइबल है, यानी कि हम इसी स्टाइल में इसको लेके चलते हैं, इसी स्टाइल में पढ़ते हैं। हाँ, अगर आप इस न्यू क्लासिकल स्टाइल से ही निकल जाएं और कोई और हेटरोडॉक्स अप्रोच में चले जाएं, बहुत सारी और अप्रोचेस भी हैं इकोनॉमिक्स को पढ़ने की, तो अगर उन अप्रोचेस में चले जाएं तो वहां मे भी कुछ और क्राइटेरिया हो कि मॉडल रियलिस्टिक या अनरियलिस्टिक बनाना कैसा है। तो मैं जो बात करने लगा हूं वो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स की है, बात समझ रहे हैं। और आपने जो भी आज तक इकोनॉमिक्स पढ़ी है वो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स ही है, ये जेहन में रखिएगा। आज तक आपने जो इकोनॉमिक्स पढ़ी है वो सारी न्यू क्लासिकल, क्योंकि दुनिया के ज्यादा कंट्रीज में या ज्यादा यूनिवर्सिटीज में न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स ही पढ़ाई जाती है, हेटरोडॉक्स अप्रोच डिस्कस ही नहीं की जाती, हमारे यहाँ भी नहीं की जाती, ठीक है। लेकिन कुछ जगह है, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ हेटरोडॉक्स अप्रोच होती है, वो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। कहीं उससे मुराद आप केन्ज ना समझ, केन्जियन इकोनॉमिक्स ना समझना। ओरिजिनल केन्जियन इकोनॉमिक्स बहरहाल न्यू क्लासिकल नहीं है,
ठीक है, क्या ओरिजिनल जो केन्जियन इकोनॉमिक्स है वो तो बहरहाल नहीं है, क्या चीज? मिनट, तो अगर आपके जेहन में केन्स की बात आ रही है तो मैंने आपको कहा कि ओरिजिनल केन्जियन इकोनॉमिक्स, यानी कि अगर आप बाकी जनरल थ्योरी की बात कर रहे हैं और जनरल थ्योरी को आप पढ़ेंगे तो मे बी वो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स बहरहाल नहीं है, और न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क जो है वो केन्स के बहरहाल बाद बना। तो लेकिन फिर भी मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो है उसकी जो रूट्स हैं, ये भले तो बात तो 1950s की है लेकिन उसकी रूट्स तो एक उससे भी पीछे की हैं, यानी कि वो पिछली सेंचुरीज से वो बात चली आ रही है जो कि फिर से न्यूक्लियर। तो बेसिकली केन्स ने तो इस सिस्टम को चैलेंज किया था, लेकिन बहरहाल बाद में 1950s के बाद हुआ ये कि जब न्यू क्लासिकल फ्रेमवर्क बना तो इकोनॉमिस्ट ने केन्स के थॉट्स को भी न्यू क्लासिकल फ्रेमवर्क के अंदर फिट करने की कोशिश की। तो आज की जो आप केन्जियन इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं वो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स का एक पार्ट ही है। तो आज के वाली केन्स, ओरिजिनल केन्स नहीं, आज के वाली केन्जियन इकोनॉमिक्स भी न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। बात समझ आ रही? तो इसलिए आपके जहन में अगर कोई आ रहा है कि वो और स्कूल ऑफ थॉट्स कौन से हैं, ठीक है, तो वो और स्कूल ऑफ थॉट, वो और स्कूल ऑफ थॉट डिफरेंट हैं, यानी कि हम जितनी भी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ये ज्यादातर क्या होती है, ये मेन स्ट्रीम, क्या है मेन स्ट्रीम, मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और समझ लें, ये बार दूसरी दफा एक क्वेश्चन आ रहा है एक स्टूडेंट की तरफ से कि लांस टेलर की जो बुक है रिकंस्ट्रक्टिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये किस लेवल की है? ये लेवल तो बाद की बात है, सही है, लेवल और चीज है। मैं उससे पहले आपको एक चीज और बताऊंगा कि बात सिर्फ लेवल की नहीं है बल्कि ये जो रिकंस्ट्रक्टिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स है, अगर आप इसका पूरा बुक का नाम जरा गौर से पढ़ें आपको मेरी बात समझ आ गई जाएगी जो मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है, मैं उसका जरा पूरा टाइटल आपके सामने रखता हूं। तो ये जरा आपने देखना है, ये एक मैं बुक आपके सामने रख रहा हूं, इसको जरा पढ़ें। ये एक बुक का टाइटल है रिकंस्ट्रक्टिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स स्ट्रक्चरल लिस्ट प्रोपोजल एंड क्रिटिक्स ऑफ द मेन स्ट्रीम, बुक बाय लांस टेलर।
अब ये जो बुक है इसके लेवल को तो साइड पे रखें। देखें, एक तो लेवल की बात है कि जब हम एक फ्रेमवर्क के अंदर पढ़ रहे हैं, एक सिस्टमेटिक वे में चल रहे हैं, तो ये जो बुक है ये बेसिकली एक डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट की है। ये न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स की बुक नहीं है। आपको इसके टाइटल से समझ आ जाना चाहिए। ये कह रहे हैं क्रिटिक्स ऑफ द मेन स्ट्रीम। ये मेन स्ट्रीम क्या है? ये मेन स्ट्रीम न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स है। बात समझ आ रही? मेन स्ट्रीम क्या है? न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, यानी कि जो आपकी डेविड रोमर की बुक है, जो अभी मैंने ब्लैंचर्ड की बुक बताई, जो जोन्स की बुक बताई, जो फ्रोइन की बुक है, जो एबल एंड बर्नानकी की बुक है, जो डॉन बुश एंड फिशर की बुक है, जो स्टैंडर्ड आपकी इकोनॉमिक्स की, वो अभी मैक्रो पढ़ रहा हूँ इसलिए मैं मैक्रो की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज तो और भी हो सकते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो स्टैंडर्ड बुक्स आपके जहन में है वो सारी मेन स्ट्रीम मैक्रो इकोनॉमिक्स है, यानी कि न्यू क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो ये बंदा कह रहा है रिकंस्ट्रक्टिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसका मतलब है मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये जो मेन स्ट्रीम है इसके नजदीक इश्यूज हैं। ये रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स को। और क्या? स्ट्रक्चरलिस्ट प्रोपोजल, यानी कि ये स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है। एंड क्रिटिक्स ऑफ द मेन स्ट्रीम, यानी कि न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो आप बाकी बुक्स में पढ़ रहे हैं ये उस पर क्रिटिक है। बात समझ आ रही? ये अपने प्रोपोजल दे रहा है कि यूं मैक्रो इकोनॉमिक्स होनी चाहिए और मेन स्ट्रीम के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहा है। तो ये उस सीक्वेंस में ये बुक फिट नहीं होगी। आप यूं समझ लें कि आप वो सारी बुक्स पढ़ लें तो इसको आप क्रिटिक के तौर पे पढ़ेंगे। समझ आ गया? तो आप लोगों को ये क्लियर हुई बात? चलें ठीक है। इसी तरीके से एक ये स्ट्रक्चरलिस्ट है। एक और स्कूल ऑफ थॉट है पोस्ट केन्जियन स्कूल ऑफ थॉट। अब ये जो पोस्ट केन्जियन स्कूल ऑफ थॉट है, इट्स नॉट दैट केन्जियन विच इज देयर इन द न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स। मसलन आप एबल एंड बर्नानकी की बुक देखें तो उसमें एक चैप्टर आता है क्लासिकल एंड केन्जियन मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आप फ्रोइन की बुक देखें तो उसमें चार चैप्टर्स आते हैं केन्जियन इकोनॉमिक्स पे। केन्जियन इकोनॉमिक्स 1, 2, 3, 4, चार चैप्टर केन्जियन इकोनॉमिक्स पे हैं। इसी तरीके से आप ब्लैंचर्ड की बुक लिखें तो उसमें भी आपके पास केन्जियन इकोनॉमिक्स। तो वो जो केन्जियन इकोनॉमिक्स है वो केन्जियन इकोनॉमिक्स है एज पार्ट ऑफ न्यू क्लासिकल फ्रेमवर्क। तो जो पोस्ट केन्जियन इकोनॉमिक्स है ये उसमें फिट नहीं आती, ये एक अलग से स्कूल ऑफ थॉट है। इसी तरीके से एक ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ थॉट है, एक मॉडर्न मॉनिटरी थ्योरी है जिनकी जो अपनी थ्योरेटिकल बेस पोस्ट केन्जियन से लेते हैं, वो आप एक बिल्कुल मैक्रो इकोनॉमिक्स की अप्रोच ही अलग है, वो एक डिफरेंट अप्रोच है। तो जब आप उनको लेते हैं तो वो चूंकि अप्रोचेज ही डिफरेंट हैं तो उसको आप उस सीक्वेंस में नहीं लें, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। तो मैं आपको बता रहा था कि बात सारी इस पे चल रही थी कि हमारी बात मेन स्ट्रीम मैक्रो इकोनॉमिक्स की है, जो दुनिया में मेन स्ट्रीम यानी कि जिसको फॉलो किया जाता है न्यू क्लासिकल। तो उस न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अंदर, उस न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अंदर जो आपके पास अनरियलिस्टिक अजम्पशंस हैं या जो आपके पास क्या कहूँ, मॉडल अनरियलिस्टिक है यानी कि रियल वर्ल्ड डिविएट करता है, तो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स के हिसाब से अगर आप चलें तो इट डजेंट मैटर। अब ये बात समझिए, इट डजेंट मैटर। मसलन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और मैं आपको डेविड रोमर की बुक में से एक सेंटेंस या एक दो सेंटेंस पढ़ के सुनाता हूँ। ये देखें, डेविड रोमर की बुक है, मैं आपके सामने एक दो चीजें रखता हूँ डेविड रोमर की, आपको समझ आ जाएगा कि न्यू क्लासिकल अप्रोच मॉडलिंग की है। आप उसको, वैसे तो आप बुक पढ़ेंगे लेकिन मैं यहाँ पे आपको जरा थोड़ा सा अपना पॉइंट क्लियर करने के लिए रोमर की बात पढ़ के सुनाता हूँ।
हाँ जी, बुक शेयर हो गई, ये रोमर की बुक आ गई। अच्छा, इसमें आप जरा गौर करें, मैं आपके सामने पढ़ता हूं ताकि आपको जरा बात क्लियर हो जाए। देखें, डेविड रोमर कह रहा है, पहले बुक, ये आपको न्यू क्लासिकल अप्रोच बता रहा हूं। सिंस दिस इज द फर्स्ट मॉडल ऑफ मैनी, वी विल एनकाउंटर दिस इज अ गुड प्लेस फॉर अ जनरल कॉमेंट अबाउट मॉडलिंग। अब ये कह रहा है, मैं ये जिस मॉडल की बात कर रहा है उसकी नहीं, ये कह रहा है कि ये जनरल मॉडलिंग के ऊपर कॉमेंट कर रहा है। और वो कॉमेंट क्या है कि जब वो मॉडल की अजम्पशन लेता है, तो अजम्पशन लेने के बाद वो कह रहा है, इट इज नेचुरल टू थिंक ऑफ दीज फीचर्स ऑफ द मॉडल एज डिफेक्ट्स बिकॉज द मॉडल ओमिट्स मेनी ऑब्वियस फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब है मॉडल इज अनरियलिस्टिक एंड श्योरली सम ऑफ दोज फीचर्स आर इम्पॉर्टेंट टू ग्रोथ। बात ये नहीं है कि वो सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, मे बी उनमें से बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट भी हों। अब ग्रोथ का मॉडल है, ग्रोथ के मॉडल में ऐसे फीचर्स भी हैं, यानी कि उन्होंने रियल वर्ल्ड की ऐसी चीजें भी मिस कर दी हैं जो मे बी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट हो, कह रहे हैं, एंड श्योरली सम ऑफ दोज फीचर्स आर इंपॉर्टेंट टू ग्रोथ। लेकिन अब न्यू क्लासिकल अप्रोच सिखा रहा है आपको डेविड रोमर, ये बात ज़हन में रखिए, यहाँ लिखा हुआ नहीं है कहीं न्यू क्लासिकल, लेकिन चूंकि डेविड रोमर न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है तो वो जो बात लिख रहा है वो न्यू क्लासिकल अप्रोच है। तो आप न्यू क्लासिकल अप्रोच पहले सीखें। अप्रोच क्या है? बट द पर्पज ऑफ अ मॉडल इज नॉट टू बी रियलिस्टिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आप समझें, ये न्यू क्लासिकल अप्रोच है, ये गलत है, सही है, ये अलग स्टोरी है। स्ट्रक्चरलिस्ट माइक्रो इकोनॉमिस्ट की बुक पढ़ेंगे तो मे बी वो इसको क्रिटिसाइज करें, लेकिन मैं तो आपको कह रहा हूं कि मेन स्ट्रीम जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स है उसकी अप्रोच ये है जो मैंने हाईलाइट कर दी है। वो क्या है? द पर्पज ऑफ अ मॉडल इज नॉट टू बी रियलिस्टिक। क्यों? आफ्टर ऑल वी ऑलरेडी पोजेस अ मॉडल दैट इज कंप्लीटली रियलिस्टिक, द वर्ल्ड इटसेल्फ। मैंने आपको पहले भी कहा था, वर्ल्ड इटसेल्फ इज अ मॉडल एंड दैट इज कंप्लीटली रियलिस्टिक मॉडल। बट वट इज द प्रॉब्लम विद दैट मॉडल? द प्रॉब्लम विद दैट मॉडल इज दैट इट इज टू कॉम्प्लीकेटेड टू अंडरस्टैंड। ये आपको मैं पहली क्लास से बात कहता आ रहा हूं। अब आपको पॉइंट समझ आया कि पहली क्लास से जो मैं आपको बात कर रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं कि मैं न्यू क्लासिकल अप्रोच में आपको पढ़ा रहा हूं। तो न्यू क्लासिकल अप्रोच के अंदर क्या है कि प्रॉब्लम विद द मॉडल, विच मॉडल, रियल वर्ल्ड, इज दैट इट इज टू कॉम्प्लीकेटेड टू अंडरस्टैंड। वेयर एज मॉडल का पर्पज क्या होता है? अ मॉडल्स पर्पज इज टू प्रोवाइड इनसाइट्स अबाउट पर्टिकुलर फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी के पूरे वर्ल्ड को रियलिस्टिकली एक्सप्लेन करना ये मॉडल का ऑब्जेक्ट ही नहीं है। फिर मॉडल क्यों बना रहे हैं? फिर तो वर्ल्ड है ना आपके सामने, वर्ल्ड ही ले लें, फिर ऑब्जेक्ट मॉडल क्यों बनाना? तो ये याद रखें, द वेरी पर्पज ऑफ द मॉडल इज टू प्रोवाइड इनसाइट्स अबाउट पर्टिकुलर फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि आप वर्ल्ड के कुछ फीचर्स को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, नॉट द कंप्लीट वर्ल्ड। If a simplifying assumption causes a model to give incorrect answers to the question it is being used to address, then that lack of realism may be a defect. अब ये new classical approach समझें, ये बहुत important sentence है, इसको गौर से समझें। देखें, ये सारी चीजें आप नहीं समझेंगे तो हमेशा confused रहेंगे। मैंने तो बहुत सारे economics के students से सुना है कि जी ये दिल जो मर्जी assume कर लें, जो मर्जी assumptions ले लेते हैं, तो आप उसकी approach को समझें ना, पूरी अप्रोच को। ये एक पैराग्राफ, ये देखें डेविड रोमर की बुक है, ये उसका पेज 15 है। तो ये चीजें बहुत गौर से पढ़ा करें, स्टूडेंट अमूमन ऐसी चीजें छोड़ देता है, ये गौर से पढ़ते हैं। क्या रहा है? इफ अ सिंप्लीफाइंग अजम्पशन कॉजेज अ मॉडल टू गिव इन करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन इट इज बींग यूज टू एड्रेस। हम मॉडल बनाते हैं, अनरियलिस्टिक बनाते हैं, सिंप्लीफाइड बनाते हैं, लेकिन बनाते इसलिए कि वो रियल वर्ल्ड के फैक्ट्स को एक्सप्लेन करे, और जिन फैक्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए मॉडल बनाया है, अगर वो मॉडल उन्हीं फैक्ट्स को ही ना एक्सप्लेन करे, इतना अनरियलिस्टिक हो जाए, वो कह रहा है देन दैट लैक ऑफ रियलिज्म मे बी अ डिफेक्ट। फिर मॉडल गलत है, फिर मॉडल में डिफेक्ट है। तो मॉडल का इटसेल्फ अप्रोच समझे न्यू क्लासिकल, कि मॉडल का इटसेल्फ अनरियलिस्टिक होना डजंट मैटर, इट्स नॉट एन इशू कि मॉडल इटसेल्फ इज अनरियलिस्टिक। ठीक है,
प्रॉब्लमैटिक क्या है? प्रॉब्लमैटिक ये है कि इफ यू बिल्ड अ मॉडल टू एड्रेस और आंसर सम क्वेश्चंस और टू एक्सप्लेन रियल वर्ल्ड फैक्ट्स एंड योर मॉडल डजंट एक्सप्लेन दोज फैक्ट्स, देन इन दैट केस द मॉडल, देयर आर डिफेक्ट्स इन द मॉडल। बात समझ आ गई? तो मॉडल में डिफेक्ट्स हैं, वो तब होंगे कि मॉडल इतना अनरियलिस्टिक हो कि वो आपके उन्हीं फैक्ट्स को भी एक्सप्लेन ना करे जिनके लिए ये मॉडल बनाया गया है। लेकिन मॉडल अनरियलिस्टिक हो लेकिन उन फैक्ट्स को एक्सप्लेन कर रहा हो, तो फिर इतना अनरियलिस्टिक होना इशू नहीं है। ये बात समझिए, फिर ये इशू नहीं है। तो अब आखिरी इसका पॉइंट समझें। इफ द सिंप्लीफिकेशन डजेंट कॉज द मॉडल टू प्रोवाइड इन करेक्ट आंसर्स टू द क्वेश्चंस इट इज बीइंग यूज्ड टू एड्रेस, देन द लैक ऑफ रियलिज्म इज अ वर्चू। ये कह रहा है कि जो रियलिज्म नहीं है, जो मॉडल अनरियलिस्टिक है, ये कोई बुरी बात नहीं है, ये उल्टा अच्छी बात है। कैसे? बाय आइसोलेटिंग द इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट मोर क्लियरली द सिंप्लीफिकेशन मेक्स इट इजियर टू अंडरस्टैंड। ये मैंने आपको आज क्लास के शुरू होते ही ये बात कही थी कि अगर आपका मॉडल रियल इश्यूज को एड्रेस कर देता है, रियल फैक्ट्स को एक्सप्लेन कर देता है, और मॉडल अनरियलिस्टिक है भले लेकिन सिंपल है, तो ये तो एक प्लस पॉइंट हो गया कि आपका एक सिंपल सा मॉडल है जो रियल फैक्ट्स को एक्सप्लेन करता है, हालांकि वो अनरियलिस्टिक है और वो बहुत सिंप्लीफाइड है। बात समझ आई ना? तो एक बहुत कॉम्प्लेक्स सी मशीनरी है और बड़ी मुश्किल से ऑपरेट करनी पड़ती है, और वो आपका एक काम करती है। तो अगर कोई बंदा एक सिंपल सी मशीन बना दे, बहुत सिंपल से ऑपरेट हो, तो और वही आपका वही काम कर दे एग्जैक्टली, तो फिर तो उसका सिंपल होना एक प्लस पॉइंट हो गया ना उस मशीन का। तो एग्जैक्टली यूसीज। लेकिन ये बातें मैं आपको फिर कहूंगा, ये न्यू क्लासिकल अप्रोच है, या किसी और स्कूल ऑफ थॉट को पढ़ेंगे तो ये चैलेंज हो सकती हैं बातें। ये कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है, ये ध्यान में रखना। ये मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपको न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स की बुक फॉलो कर रहे हैं तो उसी की बातें कर रहा हूं, लेकिन मैं फिर साथ ये भी कह रहा हूं, इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट ट्रुथ। ये नहीं है कि 100% ठीक है। आप दूसरे स्कूल ऑफ थॉट को पढ़ेंगे, वो इनको गलत कह रहे होंगे बातों को, और इन बातों में कई बातें सही होंगी, कुछ सही नहीं भी होंगी। लेकिन न्यू क्लासिकल अप्रोच की हद तक ये बात है कि आपका अनरियलिस्टिक होना मॉडल का, इट्स अ प्लस पॉइंट, ठीक है? इसलिए कि वो आपको सिंप्लीफाई करके बहुत सारे चीजों को, आपके रियल कंसर्न्स को आइसोलेट करके आपको सिंप्लीफाइड वे में आंसर कर रहा है। जी, तो अब मेरे ख्याल में हम मॉडल स्टार्ट करें। हाँ, क्या ख्याल है? अब मॉडल की बातें ही ना होती रहे ना कि मॉडल कैसे बनाना है और मॉडल क्या होता है। अब मेरे ख्याल मॉडल स्टार्ट किया जाए। फैक्ट्स भी अब तो पढ़ लिए करूं। ठीक है जी, ले जी। हमने ग्रोथ के फैक्ट्स पढ़ लिए। हम जो ग्रोथ का पहला मॉडल पढ़ेंगे वो ना तो कोई मॉडर्न ग्रोथ का मॉडल है और ना ही इतना पुराना ग्रोथ का मॉडल है कि जो मॉडल्स अब ऑब्सोलीट हो गए हैं। ये बात ध्यान में रखें। कुछ ऐसे पुराने जो आपने बीएस में कुछ बुक्स में पढ़े होंगे, कई लोग होते हैं जो 20-30 साल पहले मॉडल्स पढ़ाए जाते हैं, आज भी वो पढ़ाते हैं, हालांकि वो मॉडल्स ऑब्सोलीट हो गए हैं। और कुछ आज के मॉडर्न मॉडल्स हैं, वो डायरेक्टली भी नहीं हम स्टार्ट कर सकते। रीजन ये है कि कुछ ऐसे मतलब मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर कुछ मिडिल एजेस के ऐसे मॉडल्स हैं जो आज के मॉडर्न मॉडल्स की बेस हैं। तो अगर आप मॉडर्न मॉडल बेस को नहीं पढ़ेंगे तो फिर मॉडर्न मॉडल्स नहीं पढ़ सकेंगे, ठीक है ना? तो पॉइंट ये है कि आपने ना हम इतने पुराने मॉडल्स डिस्कस करेंगे जिनको आप कोई फायदा नहीं है, और ना ही हम इतने डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे लेटेस्ट मॉडल से
कि आपको समझ ही ना आए। तो मॉडल जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि सारे मॉडर्न मॉडल्स की बेस है, वो है सोलो ग्रोथ मॉडल। और सोलो ग्रोथ मॉडल एक मॉडर्न मॉडल्स की बेस भी है, और इससे पुराने मॉडल्स ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट हो गए। तो हम यहीं से स्टार्ट लेंगे। तो हम पहला मॉडल पढ़ेंगे, कौन सा? सोलो ग्रोथ मॉडल। तो लें जी, सोलो ग्रोथ मॉडल, तो हर मॉडल की पहले अजम्पशंस होती हैं, तो पहले मैं अजम्पशंस डिस्कस करूंगा। हाँ जी, नजर आ रहा है? हाँ, तो बात स्टार्ट कहां से हो रही है? अजम्पशंस, मैं वही बात कही थी। और इन फैक्ट, अब ये भी आपको एक बात बता दूं, आप जो इंटरमीडिएट लेवल की बुक्स पढ़ के आए हैं, या समटाइम्स आप जो पाकिस्तानी ऑथर्स की बुक्स पढ़ते हैं, अक्सर उसमें यही होता है कि मॉडल अजम्पशन से स्टार्ट होता है, पहले अजम्पशन होती हैं फिर मॉडल होता है। मॉडल तो चले अजम्पशन से स्टार्ट होता है, लेकिन सीक्वेंस पूरा ये नहीं है, याद रखना। पहला स्टेप अजम्पशन नहीं, बल्कि पहला स्टेप फैक्ट होते हैं। चूंकि मैं फैक्ट्स एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसलिए अब मैं अजम्पशन पे आया हूं। और आप देखें, किसी का रटा लगा के एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर देना कोई लर्निंग नहीं होता। हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ पड़ा होता है जिसको सीख जरूरी होता है। कैसे? ये ने ऊपर लिखा हुआ है बुक, ये डेविड रोमर की बुक है अजम्पशंस, लेकिन ये अजम्पशन का सेक्शन कौन सा है? 1.2। तो 1.2, वन तो चैप्टर है, ये तो पहला चैप्टर है, तो इसका मतलब है सेकंड सेक्शन अजम्पशंस का है। सो व्हाट इज द फर्स्ट सेक्शन? फर्स्ट सेक्शन इज अबाउट फैक्ट्स। तो हमेशा याद रखें, पहले फैक्ट्स होते हैं। अगर फैक्ट्स ना हो, कोई ऐसा डेटा ही नहीं है जिससे कोई स्टाइलाइज्ड फैक्ट्स निकले, जिससे कोई एक सिस्टमैटिक वे में कोई बात निकले, तो फिर हम थ्योरी किस चीज की बना रहे हैं, किसको एक्सप्लेन करने के लिए? थ्योरी इन इटसेल्फ कोई चीज नहीं होती, ये याद रखना। अभी अभी तो आपने डेविड रोमर की बात पढ़ी है कि मॉडल तब डिफेक्टेड होता है अनरियल होने की वजह से, जब वो उन फैक्ट्स एक्सप्लेन नहीं करे जिन फैक्ट्स के लिए ये मॉडल बनाया गया। तो इसका मतलब है मॉडल हमेशा कुछ फैक्ट्स एक्सप्लेन करने के लिए बनाया जाता है। अगर फैक्ट्स एक्सप्लेन करने, तो फिर मॉडल क्या बनाना? हम बात कर रहे हैं, ये सेकेंड सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन वॉज रिगार्डिंग फैक्ट्स, और फैक्ट्स हम एक्सप्लेन कर चुके हैं ग्रोथ के। तो सेकेंड है अजम्पशंस का। Assumptions के बारे में कहता है सोलो मॉडल कि सोलो मॉडल के अंदर फोर वेरिएबल्स हैं। कितने? फोर। कौन कौन से? नंबर वन आउटपुट, जीडीपी कह लें, वाई। नंबर टू कैपिटल स्टॉक। अब यहां पे ये याद रखें, इट्स नॉट इन्वेस्टमेंट, कैपिटल स्टॉक। इन्वेस्टमेंट इज अ फ्लो वेरिएबल, कैपिटल इज अ स्टॉक वेरिएबल। तो ये बात हो रही है स्टॉक वेरिएबल की। तो ये कैपिटल क्या है? के स्टॉक। फिर है लेबर, ये क्या? लेबर। और फिर है नॉलेज, फिर है नॉलेज। अब इन अ सेंस कैपिटल, लेबर और नॉलेज तीनों स्टॉक वेरिएबल। इस वक्त जितना नॉलेज अवेलेबल है, इस वक्त जितने वर्कर्स अवेलेबल हैं, इस वक्त जितना कैपिटल अवेलेबल है, वो सारा इन तीनों का स्टॉक है। जब आप इस स्टॉक को यूटिलाइज करेंगे किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो प्रोडक्शन फंक्शन से आपको क्या मिलेगा? वाई, और वाई फ्लो है। यानी कि एक महीने तक आप इन तीनों स्टॉक्स को यूज करें तो एक महीने में कुछ आउटपुट प्रोड्यूस होगी, या एक साल तक करें तो एक साल में कोई आउटपुट प्रोड्यूस होगी। तो जितने टाइम में भी ये आउटपुट प्रोड्यूस होगी, उतने टाइम का ये फ्लो होगा। तो ये तीन स्टॉक वेरिएबल मिलके एक फ्लो वेरिएबल जनरेट कर रहे हैं। ठीक हो गया? एक इकोनॉमिक
एक फ्लो वेरिएबल जनरेट कर रहे हैं और वो फ्लो वेरिएबल वाई है। अच्छा, फिर जब भी आप कोई मॉडल लिखते हैं तो याद रखें मॉडल या डिस्क्रीट टाइम में लिखा जाता है या कंटिन्यूअस टाइम में, या मैं आपको बेसिक्स समझा रहा हूं, बार बार ये नहीं बात आएगी। तो कुछ मॉडल्स डिस्क्रीट टाइम में लिखे जाते हैं और कुछ मॉडल्स कंटिन्यूअस टाइम में लिखे जाते हैं। तो स्टाइल बुक का ये है, अक्सर बुक्स का यही होता है और डेविड रोमर का स्पेशली ये है, वैसे तो अक्सर बुक्स का यही स्टाइल है कि जब वाई के साथ ब्रैकेट में टी है, के साथ ब्रैकेट में टी है, ए के साथ आगे एल एज अ फंक्शन ऑफ टी लिखा हुआ है ना, ये सारे तो ये कंटिन्यूअस टाइम के मॉडल्स हैं। और डिस्क्रीट टाइम के मॉडल्स में वाई के नीचे सबस्क्रिप्ट में टी लिखा जाता है, के सबस्क्रिप्ट में टी लिखा जाता है, और ऐसा आगे कई बार आता रहेगा। ठीक है, ये ज़हन में रखें। तो मैं बात कर रहा हूं कि हमारे कुल चार वेरिएबल्स हैं, ये अजम्पशंस की बात है, और वो चार वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल बाकी तीन वेरिएबल से प्रोड्यूस हो रहा है, और जिस टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस हो रहा है उसको हमने समराइज किया है इक्वेशन 1.1 में, यानी कि ये फर्स्ट इक्वेशन है मॉडल की, जिसका मतलब ये है कि हम ये कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ये है कि वाई कैपिटल से और ए इंटू एल से प्रोड्यूस हो रहा है। मैं आप भी इसको एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन टी जो ब्रैकेट में आ रहा है इसका मतलब है इट्स फॉर कंटिन्यूअस टाइम। एक तो ये बात ज़हन में रखें। अच्छा जी, अब एक चीज और ज़हन में रखें कि यहां जो एक वेरिएबल बाकी तीन वेरिएबल से प्रोड्यूस हो रहा है वो तीनों वेरिएबल्स अलग अलग से नहीं आए, एक वेरिएबल आया है वाई, दूसरी तरफ दो वेरिएबल्स हैं, मतलब एक्चुअल तो तीन है लेकिन उनको मिला के दो वेरिएबल्स बनाए गए हैं। एक है कैपिटल स्टॉक जिसको लिखा हुआ है के, और दूसरा है इफेक्टिव लेबर। क्या है? इफेक्टिव लेबर ए टी इंटू एल टी, टी तो टाइम के लिए, यानी कि ए एल इज इफेक्टिव लेबर, तो एल तो लेबर है, ए है इफेक्टिवनेस ऑफ लेबर, यानी कि एक लेबर कितनी इफेक्टिव है। आप सिंपली मुझे ये बताएं कि दो बंदे हों, एक बंदे के पास न कोई एक्सपीरियंस है, न कोई स्किल है, न कोई नॉलेज है एकेडमिक, न कोई प्रैक्टिकल, कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है फॉर्मल, कुछ नहीं है, और एक बंदे के पास कोई प्रैक्टिकल नॉलेज है या एक्सपीरियंस है या किसी बेस पे कोई ऐसी स्किल है, तो क्या उन दोनों की इफेक्टिवनेस एक जैसी होगी लेबर की? नहीं, जो बिल्कुल रॉ फॉर्म में लेबर है उसकी प्रोडक्टिविटी कुछ कामों में मे बी जीरो हो, और जिस बंदे को कोई काम करना आता है और जितना ज्यादा आता है उसकी प्रोडक्टिविटी या उसकी इफेक्टिवनेस उतनी ज्यादा होगी। तो हमने कहा इफेक्टिवनेस ऑफ लेबर, ए इज इफेक्टिवनेस ऑफ लेबर एंड ए इनटू एल इज इफेक्टिव लेबर, यानी कि इसका असल मतलब ये है कि अगर इफेक्टिवनेस ए कांस्टेंट रहे अगर और लेबर बढ़ जाए, यानी कि सेम इफेक्टिवनेस के हिसाब से ज्यादा लेबर आ जाए तो भी आउटपुट ज्यादा हो जाएगी, या लेबर आपकी कांस्टेंट भी रहे उनकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाए, यानी कि उनका एक्सपीरियंस बढ़ जाए, उनका नॉलेज बढ़ जाए, उनकी स्किल्स इंप्रूव हो जाए, उनकी लर्निंग बाय डूइंग ज्यादा हो जाए, तो बेशक वही लेबर हो तो भी आउटपुट ज्यादा हो सकती है एक्सपीरियंस की वजह से, ऐसा हो सकता है ना। तो ए इंटू एल लिखने का मतलब ये है कि एल बढ़ जाए लेबर तो भी आउटपुट ज्यादा होगी, और अगर लेबर ना भी बढ़े, अगर मैं कह रहा हूं, वैसे तो एल के साथ भी टी है, टाइम के साथ लेबर भी बढ़ रही है, मैं कह रहा हूं अगर लेबर ना भी बढ़े लेकिन उनकी नॉलेज बढ़ जाए, उनकी स्किल्स बढ़ जाए, तो उस केस में भी आउटपुट बढ़ जाएगी। तो इस वजह से हमने ए इंटू एल को इफेक्टिवनेस ऑफ लेबर लिया। अब सवाल ये, अगर हम इस तरह ना लेते, ए अलग ले लेते और एल अलग ले लेते, तो याद रखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना था, ये हमारी आसानी के लिए, ये एक मॉडलिंग अप्रोच है,
ये एक आसानी के लिए जो आगे जाके आपको काम आएगी। तो हम इफेक्टिव लेबर की फॉर्म में मॉडल लेके चलेंगे, हालांकि ये लेना कोई जरूरी नहीं था। यानी कि आप याद रखा करें, कुछ अजम्पशंस क्रिटिकल होती हैं कि अगर आप वो खत्म कर दें तो मॉडल कुछ और आंसर करने लग जाएगा, लेकिन कुछ अजम्पशंस क्रिटिकल नहीं होती, वो जस्ट अपनी आसानी के लिए की जाती हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है ए और एल की, इनको अलग अलग लेने की बजाय प्रोडक्ट फॉर्म में लेना, ये अपनी आसानी है, इट्स नॉट अ क्रिटिकल अजम्पशन। यानी कि आप इसको ना भी करें इस तरह से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पहला है द मॉडल्स क्रिटिकल अजम्पशन। ये प्रोडक्शन फंक्शन तो हमने लिख दिया, उसके अंदर ए और एल को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन मैंने साथ ही बोला इट्स नॉट अ क्रिटिकल अजम्पशन। लेकिन जो मॉडल की क्रिटिकल अजम्पशन है वो ये है कि ये प्रोडक्शन फंक्शन है, इसके ऊपर कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल का मतलब ये है कि अगर आप दोनों को डबल करें, अब यहां पे एक बात समझें कि दो आर्गुमेंट्स हैं हमारे, एक कैपिटल एक इफेक्टिव लेबर, आप दोनों को डबल करें। दोनों को डबल करने का मतलब ये हो सकता है कि आप ए कांस्टेंट कर लें, एल को डबल कर दें, तो एल टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डबल हो गया, के को भी टू से मल्टीप्लाई कर दें वो भी डबल हो गया, लेकिन के ए एल तीनों को टू से नहीं मल्टीप्लाई कर सकते। उसकी वजह यह है कि ए और एल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर दोनों को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एल फोर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कैपिटल टू से मल्टीप्लाई करें डबल हो गया, इफेक्टिव लेबर फोर से मल्टीप्लाई होगी तो वो तो फोर टाइम हो गया ना, तो इसलिए ए या एल में से किसी एक चीज को टू से मल्टीप्लाई कर लें ताकि पूरा ए इंटू एल टू से मल्टीप्लाई हो, तो फिर ये बन जाएगा डबल ए एल। यानी कि कैपिटल भी डबल कर लें और इफेक्टिव लेबर भी डबल कर लें तो आउटपुट भी डबल हो जाए। ये कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है और ये डबल होना जरूरी नहीं है, किसी भी फैक्टर से आप इंक्रीज कर लें इनपुट्स को, अगर उसी से आउटपुट इंक्रीज होती है तो इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है। और ये एक क्रिटिकल अजम्पशन है, वो क्रिटिकल अजम्पशन नहीं थी, ये क्रिटिकल अजम्पशन है। और एक बात याद रखें, जब आप कहते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है, तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल का मतलब ये होता है कि अगर आपने एक प्लांट लगाया हुआ है ना, और उस प्लांट में कैपिटल के कुछ यूनिट्स हैं और इफेक्टिव लेबर के कुछ यूनिट्स हैं और उनको मिला के आप एक आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल का मतलब यह है कि अगर आप वैसा ही एक प्लांट और लगा दें तो उससे भी इतनी ही आउटपुट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। बात समझ आ गई? तो ये एक है अजम्पशन, अगर आप इसको रिलैक्स कर दें तो फिर मॉडल का सॉल्यूशंस डिफरेंट हो जाएंगे और उसकी इम्प्लीकेशंस भी डिफरेंट हो जाएंगी। तो अभी बात हम कर रहे हैं किसकी, कि हम कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल अस्यूम कर रहे हैं। अच्छा, चूंकि कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल ये है, जैसे मैंने कहा कि अगर आप टू से मल्टीप्लाई कर दें के को भी और ए एल को भी, तो अगर आपका वाई टू से मल्टीप्लाई हो जाए यानी कि डबल हो जाए तो हम कहते हैं ये कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है। तो टू सिर्फ अकेला नहीं, आप थ्री से मल्टीप्लाई कर दें फोर से, तो इक्वेशन 1.2 में वो जनरल टर्म जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको रोमर ने लिया है सी। कि फॉर एग्जांपल अगर हम के को और ए एल को 2 से 3 से या जनरलाइज्ड टर्म में सी से मल्टीप्लाई करें, के को और ए एल को सी से मल्टीप्लाई कर लें, तो पूरे का पूरा प्रोडक्शन फंक्शन एफ ऑफ के ए एल अगर वो सी से मल्टीप्लाई हो जाए, यानी कि पॉइंट वही है कि के भी डबल सी को अगर टू ले लेना तो के भी डबल हो जाए ए एल भी डबल हो जाए, तो पूरे का प्रोडक्शन फंक्शन यानी कि वाई डबल हो जाए सी से मल्टीप्लाई हो जाए, तो इसका मतलब है ये कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है। क्लियर हो गया? ये हमारी एक अजम्पशन है और ये क्रिटिकल है। अब इस कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल की वजह से हम एक काम कर सकते हैं, जो अगर हम ये कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल ना बनाते तो ना कर सकते। अब ये जो मैंने कहा था ना, ये क्रिटिकल है क्योंकि आगे जो सोल्यूशन होने लगा है वो इसकी बेस पे हो रहा है। अगर वो हमें से हटा दें ये अजम्पशन, तो ये जो अगले स्टेप्स हैं ये हम नहीं कर सकते। अब मैंने आपको कहा था सी तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, आप सारे लोग मैक्रो और टाइम सीरीज दोनों सूरतों में अपने हाथ में कॉपी और पेन रखा करें। अब बहुत सारे स्टेप्स हैं जो मैं नहीं कर सकता, यहाँ पे क्लास में मैं बोर्ड पे करवाता हूँ, यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा लेकिन आपने करने हैं। अब जरा गौर करें,
कि सी मैंने कहा था टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, फोर भी हो सकता है, तो सी तो चूंकि कोई भी नंबर हो सकता है, अगर हम उस इक्वेशन में सी को रख दें वन ओवर ए एल, फॉर एग्जाम्पल ए एल है फाइव, ऐसे बात कर रहा हूं, ए एल क्या है, या चलें आसानी के लिए कर लेते हैं ए एल है वन, ए इंटू एल है वन, तो वन ओवर ए एल भी वन हो जाएगा, तो सी वन है, ए इंटू एल है टू, तो सी हो जाएगा पॉइंट फाइव, और अगर ए एल पॉइंट फाइव है तो सी हो जाएगा टू। पॉइंट वही है ना कि सी कोई नंबर है और वो नंबर किसकी इक्वल है, वन ओवर ए एल के। ये हम खुद से सोल्यूशन के लिए कर रहे हैं, ये कोई अजम्पशन नहीं है, ये तो मैं कह रहा हूं अगर सी कोई भी नंबर है तो अगर वो वन ओवर ए एल की इक्वल हो जाए तो ऊपर वाले प्रोडक्शन फंक्शन में, ये जरा गौर करें, ये जो प्रोडक्शन फंक्शन था ये एफ ऑफ सी के सी ए एल इज इक्वल टू सी एफ के ए एल, तो अगर इस सी की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दें जो हम ले रहे हैं खुद से अस्यूम करके वन ओवर ए एल, तो आप जरा गौर करें ना, यहाँ वन ओवर ए एल रखूं और यहाँ भी वन ओवर, यहाँ भी डिनोमिनेटर में ए एल रखूं तो यहाँ पे ए एल ए एल से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ के है तो के ओवर एल रह जाए, ए एल रह जाएगा, तो जरा गौर करें हमारे पास रह क्या गया, वही के ओवर ए एल, क्यों, सी के था तो सी की जगह वन ओवर ए एल डाला तो सी तो खत्म हो गया, ए एल डिनोमिनेटर में चला गया, के पहले से था तो के ओवर ए एल रह गया, यहाँ पे पहले था सी ए एल तो सी की जगह वन ओवर ए एल डाला तो ए एल ए एल से चलो गया वन रह गया, सही। तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल में हमने कहा था कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल की वजह से पूरे का पूरा प्रोडक्शन फंक्शन सी से मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब है सी वन ओवर ए एल हो तो यहाँ सी की जगह रख दिया तो पूरा प्रोडक्शन फंक्शन एल से मल्टीप्लाई हो गया। अब इस तरह करने से हमें क्या फायदा हुआ, अब इस तरह करने से हमें ये फायदा हुआ कि हमारे वेरिएबल की शेप चेंज हो गई है, कैसे, ये आ गया के ओवर ए एल, अब ए एल है इफेक्टिव लेबर तो के ओवर ए एल होगा कैपिटल पर यूनिट ऑफ इफेक्टिव लेबर, ए एल है इफेक्टिव लेबर, के है कैपिटल तो के ओवर ए एल है कैपिटल पर यूनिट ऑफ इफेक्टिव। इसी तरीके से ये एफ इंटू के एल वाई है, यहां लिखा हुआ है एफ ऑफ के इंटू ए एल वाई है, ये पहली इक्वेशन में लिखा हुआ था टी के अलावा, एफ ऑफ के एंड ए एल ये क्या है वाई, तो इसका मतलब है ये लिखा हुआ है एफ ऑफ के ए एल, इसका मतलब है ये वाई है और वाई पे ए एल हो रहा है, तो ये हो रहा है y पर यूनिट ऑफ इफेक्टिव लेबर, यानी कि आउटपुट पर यूनिट ऑफ इफेक्टिव लेबर। तो हमारा मॉडल एक नई फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, कैसे, कि अगर मैं y ओवर al को साइड, अगर इसमें y ओवर al को आउटपुट पर यूनिट ऑफ इफेक्टिव लेबर को स्मॉल कह दूं, लोअर y कह दूं, k ओवर al कैपिटल पर यूनिट ऑफ इफेक्टिव लेबर को स्मॉल k कह दूं, लोअर केस लेटर k, तो मेरे पास एक नए फॉर्मेट में मॉडल आ गया, और वो क्या है कि स्मॉल y विच इज f ऑफ स्मॉल k इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल k, ये k ओवर l स्मॉल k है और ये 1 है, स्मॉल k एंड 1, और इस 1 को खत्म करने के लिए 1 एक कांस्टेंट है, हमेशा साथ चलता रहेगा, जबकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो हम उसको खत्म करने के लिए इस f को भी स्मॉल एफ कर देते हैं और सिर्फ स्मॉल के लिख देते हैं, तो फाइनली हमारे पास जो प्रोडक्शन फंक्शन आ गया वो है वाई इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट में के, वाई इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट में के। अब क्योंकि पहली इक्वेशन क्या थी, मैं यहां पे अलग लिख देता हूं आपको टी के साथ में, मैंने आपको इक्वेशन नंबर के सामने साथ लिख के ये दोनों लिख के आपको दिखाता हूं, हाँ जी ये नजर आए हैं, जी ये दो इक्वेशंस हैं, नजर आ रही हैं,
हाँ जी, दो इक्वेशंस नजर आ गई हैं। अब इन दो इक्वेशंस में पहली इक्वेशन वही 1.1 है जो बुक की है, और आखिरी इक्वेशन भी बुक की है 1.4। तो साथ चूंकि बुक ने टी नहीं लिखा, तो आप ये ना समझिए कोई अलग चीज है, मैंने साथ टी लिख दी है। तो ये दोनों इक्वेशंस एक ही बात कर रहे हैं। मैं अब ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपके साथ सॉल्व करूं क्या? तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जी नहीं, सी जीरो हो सकता है। सी जीरो हो जाएगा तो सारे इनपुट जीरो होंगे, तो ठीक है आउटपुट भी उधर जीरो हो जाएगा। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल तो यही कह रहा है कि जिस सी से आप इनपुट्स को मल्टीप्लाई करेंगे उसी सी से आउटपुट मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब फाइनली इस पे बात आई कि हमने फाइनल प्रोडक्शन फंक्शन, अच्छा अब पॉइंट ये है कि 1.1 और 1.4 क्या डिफरेंट प्रोडक्शन फंक्शंस हैं? तो नहीं। फिर देख लें, ये 1.1 है, ये 1.4 है, ये दोनों डिफरेंट नहीं है, ये एक ही प्रोडक्शन फंक्शन है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि 1.1 में कोई क्रिटिकल अजम्पशन नहीं थी, जबकि 1.4 उस प्रोडक्शन फंक्शन पे कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल अस्यूम करने के बाद आया है। तो अगर हम कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल अस्यूम नहीं करें तो फिर इक्वेशन 1.4 डिराइव नहीं हो सकती 1.1 से, बस ये फर्क है। तो 1.4 भी 1.1 भी है, बट विद एन एडिशनल अजम्पशन दैट देयर आर कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अच्छा, ये जो अब नई फॉर्म में प्रोडक्शन फंक्शन आ गया है, इसको कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन इन इंटेंसिव फॉर्म। ये लिखा हुआ है ऊपर, प्रोडक्शन फंक्शन इन इंटेंसिव फॉर्म। तो हम अपने मॉडल को इंटेंसिव फॉर्म में ही लेके सॉल्व करेंगे, तो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन इन इंटेंसिव फॉर्म। और ये प्रोडक्शन फंक्शन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आउटपुट पर यूनिट ऑफ इफेक्टिव लेबर इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल पर यूनिट ऑफ इफेक्टिव लेबर। ठीक, आउटपुट पर यूनिट ऑफ इफेक्टिव लेबर इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल पर यूनिट ऑफ इफेक्टिव लेबर। तो ए एल एक्चुअली गायब नहीं हुआ, ये जेन में रखना, ये वो इन दोनों के डिनोमिनेटर में पड़ा है। ये एक सोल्यूशन मेथड है जो आसान है, आगे चल के हमें ये काम आएगा। तो जब हमें जरूरत पड़ेगी हम ए एल को एक्सप्लिसिटली ले आएंगे बाहर। तो ये लिखा हुआ है वाई, तो इसका मतलब है ये लिखा हुआ है कैपिटल वाई डिवाइडेड बाई ए एल। ये जो स्मॉल के लिखा हुआ है दिस इज कैपिटल के डिवाइडेड बाय एल, तो एल दोनों के अंदर पड़ा है एक्चुअली, वो गायब नहीं हुआ। इसको हम प्लॉट कर देते हैं। जब प्लॉट करेंगे तो जो भी है एल है, लेकिन इम्प्लिसिट है ना, एक्सप्लिसिट तो स्मॉल के है, और स्मॉल के है कैपिटल के ओवर एल। तो इसका मतलब है राइट साइड पे स्मॉल के और लेफ्ट साइड पे स्मॉल वाई है। तो अगर हम इसको प्लॉट करना चाहें, अगर हम इसको प्लॉट करना चाहें, तो ये बनेगा आउटपुट पर यूनिट ऑफ इफेक्टिव लेबर इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल पर यूनिट ऑफ इफेक्टिव लेबर। अच्छा, अब ये जो हमने प्लॉट किया है, इस प्लॉट करने के अंदर चार पांच अजम्पशंस छुपी हुई हैं। आपको समझ आ रही हैं वो अजम्पशंस? वो नजर आ रही हैं छुपी हुई अजम्पशंस? चार मिनिमम अजम्पशंस हैं, इससे ज्यादा भी चाहे पांच हो। समझ आ रही हैं? अच्छा जी, उन अजम्पशंस में या कंडीशंस हैं जिनमें एक बहुत क्लियर ये नजर आ रही है कि इधर एफ ऑफ के है, या नजर नहीं आ रहा इधर एफ ऑफ के है या स्मॉल वाई है और इधर के है। तो पहली अजम्पशन ये है कि व्हेन के इज जीरो देन एफ ऑफ के इज आल्सो जीरो, यानी कि व्हेन स्मॉल
के जीरो देन स्मॉल वाई इज ऑल्सो जीरो, ये कैसे पता चल रहा है? ये पता चल रहा है कि प्रोडक्शन फंक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। तो पहली अजम्पशन या पहली कंडीशन इस प्रोडक्शन फंक्शन की ये है कि एफ ऑफ जीरो इज जीरो, एफ ऑफ जीरो इज जीरो। अच्छा मुझे ये जरा दो मिनट देंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी आप इसकी जरा अजम्पशन सोच रखें। तो पहली कंडीशन ये नजर आ रही है कि एफ, दूसरी यहां से ये नजर आ रही है कि अगर आप इस प्रोडक्शन फंक्शन का डेरिवेटिव लें देन एफ प्राइम के इज पॉजिटिव, ये दूसरी अजम्पशन है। जाहिर है डायग्राम हमने बनाई है ना, ये खुद बखुद तो कोई बनी हुई नहीं है, ये कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ, ये डेविड रोमर ने प्लॉट अजम्पशंस की बेस पे प्लॉट किया ना। तो दूसरी अजम्पशन ये है कि एफ प्राइम के इज पॉजिटिव, जिसका मतलब ये है कि डेरिवेटिव ऑफ दिस प्रोडक्शन फंक्शन इज पॉजिटिव। डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन पॉजिटिव होने का क्या मतलब होता है? मतलब ये होता है कि प्रोडक्शन फंक्शन इज पॉजिटिवली स्लोप्ड। आप पूरे प्रोडक्शन फंक्शन को देख लें, कुछ बेसिक लेवल की बुक्स में ये नेगेटिव साइड पे जाता है लेकिन वो सही नहीं है। नॉर्मली प्रोडक्शन फंक्शन हम जो ड्रॉ करते हैं ये ऐसी जगह तक जाता है, ऊपर कंटिन्यू करता है जहां तक इसकी स्लोप पॉजिटिव है, क्लोज टू जीरो हो जाती है बट इट स्टिल रिमेन्स पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि अगर कैपिटल स्टॉक पॉजिटिव जब तक इंक्रीज होता रहेगा तो आउटपुट इंक्रीज होती रहेगी। ये दूसरी अजम्पशन है, ये इस डायग्राम के अंदर छुपी हुई है, आगे लिखी हुई है बुक में लेकिन यहाँ आपको डायग्राम से भी समझ आना चाहिए। तो दो अजम्पशन हो गई, एफ ऑफ जीरो इज जीरो एंड सेकेंड एफ प्राइम के। अच्छा ये याद रखें F के ऊपर वो छोटी सी डैश लगा देते हैं ना, F ब्रैकेट में K और ऊपर छोटी सी डैश F प्राइम, ये डेरिवेटिव के लिए यूज होता है जो हम आगे यूज करते रहेंगे। तो F प्राइम जो है दैट इज पॉजिटिव, इसका मतलब ये है कि प्रोडक्शन फंक्शन इज पॉजिटिवली स्लोप्ड। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास दो अजम्पशंस हो गई। अच्छा अकिल ने क्वेश्चन पूछा है कि क्या ये कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल शो कर रहा है? नहीं, देखें कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होता है कि जब आप के और ए एल को बैलेंस्ड वे में चेंज करें, यानी कि एक ही रेट से चेंज करें, जबकि यहां पे हमने लिया हुआ है कैपिटल पर यूनिट ऑफ इफेक्टिव लेबर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। तो ये एक रेशो है और रेशो कई रीजन से चेंज हो सकती है। ये भी हो सकता है एल कांस्टेंट रहे, एल कांस्टेंट रहे और के बढ़ता रहे तो भी रेशो बढ़ेगी, के कांस्टेंट हो जाए एल कम हो जाए तो भी रेशो बढ़ेगी, और इनफैक्ट कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल के लिए के और एल ने एक ही रेशो से बढ़ना है, एक ही रेशो से बढ़ना है। ठीक है ना, के और ए एल एक ही रेशो से बढ़ेंगे। इस तो वो यहाँ पे चूंकि एक वेरिएबल शो हो रहा है और सामने हमें टू डायमेंशन में ये प्रॉब्लम है, जबकि आपके एक्चुअली तीन वेरिएबल्स हैं, एक वाई, एक के और एक ए एल। तो प्रॉपर आप कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल थ्री डायमेंशन में शो कर सकते हैं। दूसरी ये खयास ने जो बात की है ये सही है। तो अगली जो अजम्पशन आ रही है या जो कंडीशन नजर आ रही है यहां से हमें, वो ये है कि जब आपकी के जीरो के करीब है, ओरिजिन के करीब, ओरिजिन के करीब होने का मतलब ये है कि आपका प्रोडक्शन फंक्शन बहुत ज्यादा स्टीप है। ये देखे ना, ये ऑलमोस्ट वर्टिकल लाइन बन रही है शुरू शुरू में,
बहुत स्टीप है, और जबकि बहुत बढ़ जाता है तो वहां पे प्रोडक्शन फंक्शन ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाता है। तो शुरू में स्टीप, आखिर में फ्लैट। तो याद रखें इस प्रोडक्शन फंक्शन की जो स्लोप है, स्लोप फर्स्ट डेरिवेटिव, वो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल है, वो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल है। तो अजम्पशन ये नजर आ रही है कि जब कैपिटल जीरो के करीब हो तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इन्फिनिट इन्फिनिटी की तरफ जाती है, क्योंकि वर्टिकल लाइन की स्लोप इन्फिनिटी होती है। तो इट्स ऑल्दो इट्स नॉट वर्टिकल बट इट इज क्लोज टू वर्टिकल, बिल्कुल करीब में। तो इसका मतलब है व्हेन के अप्रोचेस जीरो देन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, जो कि इस कर्व की स्लोप है, दैट अप्रोचेस इन्फिनिटी। व्हेन कैपिटल अप्रोचेस इन्फिनिटी देन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल अप्रोचेस जीरो, क्योंकि वो इसकी स्लोप है और फ्लैट कर्व की स्लोप जीरो होती है। तो ये चार कंडीशंस मैंने आपके सामने रखी, इनको कहते हैं इनाडा कंडीशंस। ये क्या है? इनाडा कंडीशंस। ये इनाडा कंडीशंस इस पैराग्राफ में लिखी हुई हैं, इसको आप पढ़ें। अच्छा, एक पांचवी कंडीशन भी है, और वो ये है कि ये कर्व पॉजिटिवली स्लोप तो है, लेकिन पॉजिटिवली स्लोप कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं है, बल्कि एक कर्व है, कॉनकेव कर्व है। इस कॉनकेविटी का मतलब ये है कि प्रोडक्शन फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है। पॉजिटिवली स्लोप तो तब होता है जब फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, लेकिन उसके अंदर कॉनकेव पॉजिटिव तब होता है जब सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है। तो अब मैंने आपके सामने पांच कंडीशंस लिखी हैं, वो पांचों कंडीशंस इस अगली स्लाइड के पांच पैराग्राफ में लिखी हैं। आप इसको जरा पढ़ें, गौर करें, डायग्राम अपने सामने ड्रॉ करके इनको दोबारा देखें। और मुझे 10 मिनट की ब्रेक है अभी, 10 मिनट की, उसमें आप यही देखें, 10 मिनट में दोबारा कंटिन्यू करते हैं।
हाँ जी, तो ये इनाडा कंडीशन समझ आ गई हैं।
अच्छा, थोड़ी बहुत भी बहुत है सदा। तो अब एक इसकी एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल ये है कि एक देखे ना, आपने एक एग्जाम्पल ली कि जी एक कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, वो तो अजम्पशन थी। तो प्रोडक्शन फंक्शन की कई एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ट्रांसलॉग फंक्शन है, कर्व डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है, सीईएस है। तो हम एक जो ज्यादा मशहूर, जो ज्यादातर मैक्रो में यूज होता है, वो आपका कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है। हर प्रोडक्शन फंक्शन को आप लेते हैं तो वो बेसिकली किसी टेक्नोलॉजी को शो करता है। तो यहाँ पे हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात कर रहे हैं कि जी जो आपका प्रोडक्शन फंक्शन, अगर कॉब डगलस हो, तो कॉब डगलस आपको पता है कि जी वाई इज इक्वल टू के अल्फा और एल, या यहाँ पे ए एल एफ बीटा होता है। तो चूंकि कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है, तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल में अल्फा प्लस बीटा वन होता है, अल्फा प्लस बीटा वन। तो जो बीटा होता है वो इसका मतलब है वन माइनस अल्फा की इक्वल है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा ने वन होना है। तो उसमें हमने ये कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन लिखा है कि के रेज टू पावर अल्फा और ए एल रेज टू पावर वन माइनस अल्फा। तो अब कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की एग्जाम्पल में, अगर अब हम सी को लेके आए, वही सी यानी कि कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल में, तो हमने कहा था कि सी को अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप के से और ए एल से, तो पूरा प्रोडक्शन फंक्शन सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे ये देखें, एफ ऑफ सी के सी ए एल, इसका मतलब है आपने के को सी से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर अल्फा, और ए एल को सी से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर वन माइनस अल्फा। अब चूंकि सी दो दफा आया, दोनों दफा बाहर लिख लें, सी की पावर एक दफा अल्फा है और एक दफा सी की पावर वन माइनस अल्फा है। तो सी की पावर अल्फा और सी की पावर वन माइनस अल्फा में सी आंसर है, ठीक है ना? पावर ऐड हो जाएगी ना, अल्फा और वन माइनस अल्फा, तो अल्फा रह जाएगा, तो पीछे अल्फा कैंसिल हो जाएगा, वन रह जाएगा, तो सी ये रह गया सी, और बाकी ब्रैकेट में आ गया के अल्फा ए एल रेज टू पावर वन माइनस अल्फा, जो कि एफ ऑफ के ए एल के बराबर है। तो ये कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल हो गया। तो इसका मतलब है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में, ये जस्ट एग्जांपल के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो ये एग्जांपल के लिए सॉल्व हो गया। ये देखें, तो जो स्मॉल एफ ऑफ के है इंटेंसिव फॉर्म में, वो एक्चुअली होता है कैपिटल, अगर आपको याद हो जिस तरह हमने कन्वर्ट किया था, तो कैपिटल एफ कैपिटल के ओवर ए एल, कैपिटल के ओवर ए एल, ठीक है? तो ये बेसिकली स्मॉल के ही है, कैपिटल के ओवर ए एल, और वन साथ एक्स्ट्रा आया था क्योंकि एल ओवर ए एल था, तो ये वही है। तो चूंकि इस वक्त हमारे पास हमने इस अपने प्रोडक्शन फंक्शन में, ये देखे ना, ये है के रेज टू पार अल्फा, ए एल रेज टू पार अल्फा। तो आप लोग एक काम करें, अपने साथ कॉपी पेन है तो इसको ए एल पे डिवाइड करें, और इधर से राइट साइड को भी ए एल पे डिवाइड करें। जब आप राइट साइड को ए एल पे डिवाइड करेंगे ना, तो इसका मतलब है ए एल डिनोमिनेटर में है, ए एल डिनोमिनेटर में है, तो ये जब न्यूमिनेटर में जाएगा तो इसकी पावर माइनस वन हो जाएगी, तो माइनस वन वन से कैंसिल हो जाएगी, बाकी पावर रह जाएगी माइनस अल्फा। इसका मतलब है के की पावर अल्फा, ए एल की पावर माइनस अल्फा। तो चूंकि के की पावर अल्फा है और ए एल की माइनस अल्फा है, तो ए एल को डिनोमिनेटर में ले आए, के रेज टू पावर अल्फा डिवाइडेड बाई ए एल रेज टू पावर अल्फा, तो आंसर बनेगा के ओवर ए एल होल रेज टू पावर अल्फा, के ओवर ए एल होल रेज टू पावर अल्फा। और चूंकि के ओवर ए एल स्मॉल के है, तो आंसर बनेगा स्मॉल के रेज टू पावर अल्फा। तो ये देखें फाइनल आंसर कॉब डगलस में, के रेज स्मॉल के रेज टू पावर अल्फा। ये कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इंटेंसिव फॉर्म में है, ये बात समझें। ये जो इक्वेशन 1.5 में प्रोडक्शन फंक्शन लिखा हुआ है,
इसी को दोनों तरफ से अगर ए एल पे डिवाइड करें तो ये आ जाता है स्मॉल के रेस टू पावर अल्फा। ये इंटेंसिव फॉर्म का प्रोडक्शन फंक्शन है। तो इसका मतलब ये है कि एफ प्राइम जो है ना, एफ प्राइम मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। अब ये चूंकि एग्जांपल के लिए ना, तो वो सारी बातें हम देख लेते हैं जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, कि हमने कहा था फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है, प्रोडक्शन फंक्शन जो हमने ड्रॉ किया था। तो अगर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें एफ प्राइम के, तो क्या आएगा, अल्फा इंटू के रेज टू पावर अल्फा माइनस वन। तो आप मुझे बताएं, अल्फा एक पॉजिटिव फ्रैक्शन है, इट कांट बी नेगेटिव। के कैपिटल स्टॉक है पर यूनिट ऑफ इफेक्टिव लेबर, इट कैन बी जीरो बट इट कांट बी नेगेटिव। ना ये जीरो तो हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ना अल्फा नेगेटिव हो सकता है ना के नेगेटिव हो सकता है। रही बात अल्फा माइनस वन की, तो ये नेगेटिव ही होता है क्योंकि अल्फा फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन माइनस वन, पॉजिटिव फ्रैक्शन माइनस वन, नेगेटिव आंसर आएगा। लेकिन कोई इशू नहीं है, ये पावर में है। जब कोई चीज पावर में हो तो कोई इशू नहीं है। आप के को अल्फा के नीचे ले आए, ये पावर वन माइनस अल्फा हो जाएगी जो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है। मेरा कहने का मतलब यह है कि के की कोई वैल्यू अस्यूम कर लें, मसलन 10, और अल्फा की वैल्यू 0.5 अस्यूम कर लें, तो आप समझ जाएंगे कि एफ प्राइम जो है ये पॉजिटिव आता है। फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव लें, तो सेकंड डेरिवेटिव में बाकी तो सब अपनी जगह, लेकिन बाहर एक माइनस लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि माइनस लगाने से ये सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया है। यही तो हम थोड़ी देर पहले अजम्पशंस इन ऑर्डर कंडीशंस में पढ़ रहे थे कि फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव और सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है। तो इसका मतलब है कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन हमारी ये वाली अजम्पशन फुलफिल करता है जो इस प्रोडक्शन फंक्शन में आ रही है, कि के जीरो हो तो वाई जीरो हो जाए, छोटी वैल्यूज पे के की ये इन्फिनिटी को अप्रोच करे मार्जिनल प्रोडक्ट, के की हायर वैल्यूज पे मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो को अप्रोच करे, और फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव हो और सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो। ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल था। तो अब है नेक्स्ट स्टेप, अजम्पशंस ये अभी चल रहे हैं, या इसको कहते हैं सेटअप ऑफ द मॉडल। हम मॉडल अभी सेट कर रहे हैं ना, अभी हमने मॉडल को ना सॉल्व करना शुरू किया, ना उससे एनालिसिस किया, ना अपने फैक्ट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, अभी तो मॉडल सेट हो रहा है। अब हम नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो हमारे इनपुट्स हैं, पहला हमने सारे का सारा अभी तक जो पढ़ा है अजम्पशंस में वो ये पढ़ा है कि वाई और इनपुट्स का रिलेशनशिप क्या है और कैसा है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल हैं और मतलब जो भी ए और एल प्रोडक्ट फॉर्म में आ रहे हैं, ये सारी बातें। अब अगला स्टेप अजम्पशंस का ये है कि जो आपके इनपुट्स हैं वो तीन है ना, के एल ए, इन तीनों का एवोल्यूशन कैसे हो रहा है, क्योंकि ये टाइम के साथ सारी चीजें सब चीजें ब्रैकेट में टी है, तो इसका मतलब है एवोल्यूशन कैसे हो रहा है, यानी कि ओवर टाइम ये चेंज कैसे हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हम एक चीज अजम्पशन ले रहे हैं कि ये मॉडल डिटर्मिनिस्टिक है, यहाँ कहीं पे हम रैंडम चेंज की बात नहीं करेंगे इस मॉडल में। और दूसरा हम ये कह रहे हैं कि इस वक्त कि जो हमारे तीन इनपुट्स हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि वो टाइम के साथ कैसे चेंज होते हैं। अब एक बात मुझे बताएं कि ये स्पेशली हेडिंग ये क्यों दी है, द एवोल्यूशन ऑफ इनपुट्स इनटू प्रोडक्शन। उसकी वजह ये है कि वाई डिपेंड्स ऑन इनपुट्स एंड इनपुट्स डिपेंड्स ऑन टाइम। तो जब आप ये देख लेंगे कि वक्त के साथ, चूंकि हम ग्रोथ स्टडी कर रहे हैं ना, ग्रोथ मैंने आपको कहा था डेकेड्स लॉन्ग हिस्ट्री को देखना पड़ता है, तो हम ये देखना चाह रहे हैं टाइम के साथ इनपुट्स कैसे चेंज होते हैं। जब ये पता चल जाए कि इनपुट्स कैसे चेंज होते हैं,
तो उन इनपुट्स की बेस पे ये पता चल जाएगा कि आपका आउटपुट, क्योंकि आउटपुट तो इनपुट से डिटरमिन हो रहा है ना, तो आपने टाइम के साथ ये देखना है कि इनपुट कैसे चेंज हो रहे हैं। खैर, तो वन बाय वन जरा देखें कि ओवर टाइम इनपुट्स कैसे चेंज हो रहे हैं। तो हमारी पहली अजम्पशन ये है कि एल डॉट, ये याद रखें, जब किसी वेरिएबल के ऊपर हमारे इस कोर्स में डॉट आ गया तो उसका मतलब होगा डेरिवेटिव, डेरिवेटिव। लेकिन ये डेरिवेटिव एक खास किस्म का डेरिवेटिव है, क्योंकि डेरिवेटिव हमेशा विद रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल होता है। तो हियर दैट वेरिएबल इज टाइम, सो एल डॉट इज डेरिवेटिव ऑफ लेबर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेरिवेटिव ऑफ लेबर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डेरिवेटिव ऑफ लेबर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो ये अजम्पशन ये कह रहा है कि दैट इज इक्वल टू एन इंटू एल टी, यानी कि वो जो टी के साथ लेबर आ रही है, टी के साथ जो टी का फंक्शन है लेबर, वो एक कांस्टेंट एन, देखे ना, एन के साथ ब्रैकेट में टी नहीं है, इसका मतलब एन कांस्टेंट है, वो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आ रहा है चेंज इन लेबर, डेरिवेटिव ऑफ लेबर, डेरिवेटिव चेंज है ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ओवर टाइम जो चेंज इन लेबर है दैट इज इक्वल टू लेबर मल्टीप्लाइड बाय अ फ्रैक्शन एन, एन फ्रैक्शन है, सही है, एन एक रेट है, लेस देन वन है, फ्रैक्शन। और यहीं से एक चीज और समझ लें, आपको और आसान कर देता हूं, कि अगर एल टी लेफ्ट साइड पे ले जाएं, कॉपी पेन पे अपना लिखा करें साथ साथ, अगर इस एल टी को लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो ये बन जाएगा एल डॉट ओवर एल, क्या, एल डॉट ओवर एल, वो किसकी इक्वल आ जाएगा, स्मॉल एन, स्मॉल एन, एल डॉट ओवर एल स्मॉल एन। इसका मतलब ये है कि एल डॉट ओवर एल, एल है चेंज इन एल, और उसको आप एल पे ही डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब है रिलेटिव चेंज हो गई, ये रिलेटिव चेंज होता है ग्रोथ रेट। किसी वेरिएबल के डॉट यानी कि टाइम डेरिवेटिव को उसी वेरिएबल पे डिवाइड कर दें तो ये बन जाता है ग्रोथ रेट। तो एक्चुअली इस इक्वेशन में ये लिखा हुआ है कि एल डॉट ओवर एल इज इक्वल टू एन, यानी कि ग्रोथ रेट ऑफ लेबर इज एन, एंड एन इज कांस्टेंट, एन के साथ टी नहीं है। तो हकीकत में ये इक्वेशन कह रही है कि एल डॉट ओवर एल इज एन, ग्रोथ रेट ऑफ लेबर इज एन, और नीचे वाली इक्वेशन कह रही है ग्रोथ रेट ऑफ ए यानी कि ए डॉट ओवर ए इज इक्वल टू जी। इसका मतलब है बाय अजम्पशन लेबर का ग्रोथ भी कांस्टेंट है और ए विच इज टेक्नोलॉजी आर इफेक्टिव, अभी इसको टेक्नोलॉजी बल्कि ना कहें, अभी इसको इफेक्टिवनेस ऑफ लेबर ही कहें, उसका ग्रोथ रेट भी कांस्टेंट है। जब ये दोनों ग्रोथ रेट्स कांस्टेंट हो गए तो मॉडल में कोई स्टोकास्टिक कंपोनेंट नहीं रहा, ये डिटर्मिनिस्टिक हो गया, आप एक कांस्टेंट ग्रोथ से एक चीज बढ़ी जा रही है, तो ये तो पैटर्न बहुत क्लियर हो गया ना। सही है, ये तो पैटर्न बहुत क्लियर हो गया है। गिवन पैटर्न है कि लेबर एन से बढ़ती है, अब एन हो सकता है 2% हो, तो इसका मतलब हम कह रहे हैं कि हर पीरियड, हर पॉइंट इन टाइम पे 2% से लेबर बढ़े जा रही है, और जी हो सकता है ये भी 3% हो फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब हम कह रहे हैं ए हर पॉइंट इन टाइम पे 3% से बढ़ रहे हैं, बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। तो ये कांस्टेंट है, इन दोनों इक्वेशन का एक ही मतलब है कि एल का ग्रोथ रेट एन है वो कांस्टेंट है, और ए का ग्रोथ रेट जी है वो भी कांस्टेंट है। ये जो इक्वेशन है यूनिक इलेबोरेशन है, इसको अभी भले छोड़ दें,
अब आ जाएं तीसरे वेरिएबल के एवोल्यूशन पे। तीसरा वेरिएबल कैपिटल है। कैपिटल की जो एवोल्यूशन है, जो कैपिटल की एवोल्यूशन है एक मिनट, ये किसने क्वेश्चन किया? मैं साथ क्वेश्चंस नहीं देख रहा था। ये हाँ ठीक है, ए प्लस बी वन है। देखिए ये जो है ना कि वो डाइवर्ज नहीं होगा, उसका मतलब यही है ना कि कोई चीज अनलिमिटेड नहीं इंक्रीज होगी। और ये जो सदफ ने क्वेश्चन पूछा है, बट इन प्रीवियस डायग्राम देयर इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ये सही है। डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना? जब आप रिटर्न्स टू स्केल की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है आर ए के सारे इनपुट्स एक ही रेशियो से चेंज हो रहे हैं। जब आप डिमिनिशिंग रिटर्न्स और उसकी बात करते हैं, उसमें आप एक इनपुट चेंज कर रहे होते हैं, तो एक इनपुट पे तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स है ना, लेकिन कांस्टेंट रिटर्न्स फिर भी हैं। क्यों? हम ये कह रहे हैं कि जी एक से ज्यादा अगर। अच्छा जी, आखिरी जो इनपुट रह गया वो के है, हम उन्हें उसका एवोल्यूशन देखना है, यानी कि वो टाइम के साथ कैसे चेंज होता है। तो उसकी इक्वेशन ये है, इसको जरा गौर करें। इस इक्वेशन में ये लिखा जा रहा है कि जी के डॉट है, यानी कि जो कैपिटल स्टॉक का चेंज है टाइम के साथ, वो दो टर्म से मिलके बनता है। नंबर वन एस इन टू वाई टी, नंबर टू डेल्टा इन टू के टी। वाई आपको पता है आउटपुट है पर यूनिट ऑफ टाइम, कैपिटल भी आपको पता है के कैपिटल है और ब्रैकेट में टी का मतलब है पर यूनिट ऑफ टाइम। फर्क रह गया ये स्मॉल एस क्या है और ये डेल्टा क्या है। ये स्मॉल एस है सेविंग रेट, और सेविंग रेट के साथ भी टी नहीं है, सेविंग रेट के साथ भी टी नहीं है। यहां पे दो अजम्पशन है। देखिए हर बात के अंदर एक अजम्पशन छुपी होती है, अगर आप उसको गौर करें तो। यहां पे दो अजम्पशन हो गई हैं इसके बारे में, ये सेविंग रेट है। पहली अजम्पशन ये है कि सेविंग रेट इज गिवन, इट इज एग्जॉजिनस, हमने कहीं से डिराइव नहीं किया। एक इक्वेशन में अचानक से एस लिख दिया, जब एक इक्वेशन में खुद से एस लिख दिया जाए या कोई भी वेरिएबल या पैरामीटर लिख दिया जाए, तो इसका मतलब है इट इज गिवन एग्जॉजिनस, ये किसी और पैरामीटर का फंक्शन नहीं है, गिवन है। और जो एस के साथ टी नहीं लिखा हुआ, दूसरी अजम्पशन वो ये है कि एस गिवन भी है और कांस्टेंट भी है। एक चीज एग्जॉजिनस हो ना तो वो चेंज तो हो सकती है, एग्जॉजिनस हो चेंज एग्जॉजिनसली हो जाए, तो ये एंडोजिनस नहीं है यानी कि एग्जॉजिनस है, और साथ ही साथ ये कांस्टेंट भी है गिवन है, टी इसके साथ नहीं ब्रैकेट में। तो दो अजम्पशंस हो गई एस पे, नंबर वन सेविंग रेट इज एग्जॉजिनस, नंबर टू सेविंग रेट इज कांस्टेंट। फिर अगला पैरामीटर है डेल्टा, डेल्टा इज डिप्रिसिएशन रेट, कि जो आप कैपिटल प्रोडक्शन में यूज करेंगे वो पर यूनिट ऑफ टाइम डेल्टा रेट से डिप्रिसिएट होता जाएगा। और फिर हमारी अजम्पशन ये है कि ये डिप्रिसिएशन रेट भी कांस्टेंट है, यानी कि हम ये नहीं अस्यूम कर रहे कि ओवर टाइम डिप्रिसिएशन रेट बढ़ता जाएगा, हो सकता है ऐसा होता हो, लेकिन हम सिंप्लीफाइंग अजम्पशन ये रहे हैं कि डिप्रिसिएशन रेट कांस्टेंट है। तो जरा गौर करें, मसलन 100 रुपीज टी टाइम में आपकी इनकम है, एस सेविंग रेट है, हो सकता है ये 10% हो, अब इसका पूरा पॉइंट समझे ना, एस सेविंग रेट है वो हो सकता है 10% हो, तो वाई 100 रुपीज, सेविंग रेट उसका 10%, तो 10% ऑफ 100 इज 10 रुपीज, तो इसका मतलब है ये कुल मिला के लिखा हुआ है 10 रुपीज। फिर आपका कैपिटल स्टॉक जो है वो फॉर एग्जाम्पल 200 का है, कैपिटल स्टॉक 200 का है, और जो डेप्रिसिएशन रेट है वो फॉर एग्जाम्पल 2% है, या चले 4% है। अगर डेप्रिसिएशन रेट 4% हो और कैपिटल स्टॉक 200 हो, तो 200 का 4% 8 रुपीज बनता है। तो इसका मतलब है ये है सेविंग
एस सेविंग रेट है, लेकिन एस इंटू वाई मिला के हो गया सेविंग। और याद रखें ये हमने टू सेक्टर इकोनॉमी ली हुई है जिसमें सेविंग इन्वेस्टमेंट की इक्वल होती है, तो यही सेविंग है इस मॉडल की और यही इस मॉडल में इन्वेस्टमेंट है। तो ये सेविंग भी है टोटल, ये इन्वेस्टमेंट में है और ये 10 रुपीज है मेरी एग्जाम्पल के मुताबिक। और के अगर 200 हो और डेल्टा 4% हो तो ये 8 रुपीज है। तो इसका मतलब है 10 रुपीज माइनस 8 रुपीज इज इक्वल टू 2 रुपीज। तो 2 रुपीज का मतलब कि चेंज इन कैपिटल स्टॉक इज 2 रुपीज। क्या है? चेंज इन कैपिटल स्टॉक इज 2 रुपीज। इसका मतलब है इस टाइम पीरियड में कैपिटल स्टॉक में नेट एडिशन 2 रुपीज का हुआ है। ये जो के ऊपर डॉट है ये चेंज इन कैपिटल है, ये 2 रुपीज का है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये जो 2 रुपीज का इजाफा हुआ है जो कि के डॉट है, इसी को नेट इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। तो इसका मतलब है ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को कहते हैं, कई तरीके बोल सकते हैं, ये कैपिटल डायनामिक इक्वेशन है, यानी कि कैपिटल की डायनामिक्स एक्सप्लेन कर रही है। या इसको कैपिटल अक्यूमुलेशन इक्वेशन भी कहते हैं कि कैपिटल कैसे अक्यूमुलेट हो रहा है, कैपिटल अक्यूमुलेशन इक्वेशन। या इसी को आप नेट इन्वेस्टमेंट इक्वेशन भी कह सकते हैं कि नेट इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल है। तो नेट इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, चूंकि ये सेविंग है और यही सेविंग इन्वेस्टमेंट की इक्वल है, तो नेट इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन होती है कि इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। तो यहां पे आज मैं खत्म करता हूं। आज हमने सिर्फ 4 इक्वेशंस पढ़ी हैं, क्योंकि हमारे वेरिएबल्स 4 हैं तो 4 इक्वेशंस बनेंगी। पहली इक्वेशन थी कि वाई कैसे इनपुट के साथ रिलेट करता है, और बाकी 3 इक्वेशंस थी कि वो इनपुट ओवर टाइम कैसे इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, उनमें चेंज कैसे आता है, ग्रो कैसे करते हैं। तो हमने कहा कि लेबर कॉन्स्टेंट रेट से ग्रो करता है, ए इफेक्टिवनेस ऑफ लेबर कॉन्स्टेंट रेट से ग्रो करता है, और इन अ सेंस कैपिटल बी उसके अंदर जो मेन फैक्टर्स हैं एस और डेल्टा ये कांस्टेंट हैं, लेकिन चूंकि वाई और के वेरिएबल हैं तो ये खास रेट से ग्रो करेंगे, लेकिन इनका ग्रोथ जो है कैपिटल का वो वाई के ग्रोथ पे डिपेंडेंट हो गया। तो जिस रेट से वाई ग्रो करेगा उसी हिसाब से कैपिटल ग्रो करेगा, लेकिन पॉइंट ये है कि ये इसमें भी बहुत सारी चीजें फिक्स्ड हैं। तो आप देख रहे हैं सोलो का मॉडल कितना सिंप्लीफाइड है, कोई स्टोकास्टिक कंपोनेंट नहीं है, कोई रैंडमनेस नहीं है, हमने हर चीज को कांस्टेंट किया हुआ है, कोई एंडोजिनस चीज ही नहीं है सिवाय वाई के, हर एक इनपुट को हम जो है वो उधर से एक्सोजिनस करते जा रहे हैं। तो एट द एंड एक वाई तो रह गया जो एंडोजिनस है कि वो कैपिटल स्टॉक एल और ए पे डिपेंडेंट है, बाकी ये तीनों वेरिएबल तो इंडिपेंडेंटली जनरेट हो रहे हैं। के वाई पे डिपेंडेंट है लेकिन उसके साथ जो एस है वो तो गिवन है पहले से, तो उस सेंस में बहुत सारे पाथ्स डिटर्मिनिस्टिक हैं। इस तरह से ये मॉडल सिंप्लीफाइड है, ठीक हो गया। तो अब मेरे ख्याल में यहाँ पे खत्म करना, अगली क्लास में मैं फिर से आगे चलूंगा। वैसे तो अभी आज इस मॉडल का हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन चूंकि जुम्मे का दिन है टाइम भी कम है तो बस सही है यहाँ पे छोड़ दो। नहीं, सेविंग स्टॉक वेरिएबल नहीं है, सेविंग जो है वो यहाँ पे देखें दो चीजों से निकल रहा है सेविंग, एक स्मॉल एस से और एक वाई से, एस इनटू स्मॉल, ये देखें आपके सामने अभी भी लिखा हुआ है, किधर गया, ये लिखा हुआ है सेविंग, ये पूरी टर्म सेविंग है, इसमें दो चीजें हैं स्मॉल एस और कैपिटल वाई, स्मॉल एस और कैपिटल वाई। तो ये एस सेविंग रेट है और वाई इनकम है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेविंग बनेगा। तो जो सेविंग है वो आपने पूछा है कि क्या ये क्या है, आपने कहा है कि सेविंग स्टॉक नहीं, सेविंग देखे ना एस तो कांस्टेंट है और वाई फ्लो वेरिएबल है, तो फ्लो वेरिएबल से कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी फ्लो वेरिएबल ही रहेगा। तो यहाँ पे सेविंग फ्लो वेरिएबल है, बल्कि सेविंग होता ही फ्लो वेरिएबल है। कैपिटल स्टॉक याद रखें, कैपिटल स्टॉक जो है वो स्टॉक वेरिएबल है, लेकिन के डॉट फ्लो वेरिएबल है। ये देखें ना के ऊपर जो डॉट लिखा हुआ है, इट इज चेंज इन के,
तो ये तो फ्लो वेरिएबल हो गया, ठीक है जी। ओके, हाउ टू मेजर वर्ल्ड ग्रोथ रेट, वेदर टू इंक्लूड द ग्रोथ रेट ऑफ ऑल द कंट्री। जाहिर है सारे वर्ल्ड की जीडीपी से ही वर्ल्ड का ग्रोथ रेट निकलेगा, ठीक है जी। ओके ओके जी, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, कल इंशाल्लाह मिलते हैं टाइम सीरीज के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।